हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ लेवल टीवी श्रृंखला फिल्म के बारे में जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। और यह मूवी भारत के तमिल भाषा के अरुणा कामराज द्वारा निर्देशित के साथ मूवी को 2023 में तमिल भाषा द्वारा स्ट्रीमिंग किया, जहाँ पर टेलीविजन श्रृंखलाओं द्वारा यह फिल्म को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला में मुख्य कलाकार जय तनिया होप और महेंद्रन शामिल है। इसका प्रीमियम 10 नवम्बर 2023 को होना है। इसमें 10 एपिसोड शामिल है। मूवी की शैली कार्यवाहिक है और नाटक के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया। इस मूवी को अरनाच कामराज द्वारा लिखा गया तथा इसका निर्देशन अरनाच कामराज है। वहीं पर अभिनेता जया और तानिया आशा के साथ देखे गए, जहां पर महेंद्र को दिया गया और संगीत को सेम एस कुमार द्वारा दिया गया, जहाँ पर उद्भव देश के साथ लाया गया और भारत में तमिल भाषा के साथ मूवी को आयोजित कर दिया। रीतियों की संख्याओं द्वारा आयोजित कर दी गई और एपिसोड की संख्या 5 थी। निर्माता अजय प्रभाकर और छायाकांत दिनेश कृष्ण द्वारा दिया गया, जहां पर संपादक राजा मुर्गन के साथ देखी गई। और इसकी उत्पादन कंपनी मुथुआ म्यूजिकल थे, जहां पर पद में पागल के साथ आर्केस्ट इंटरमेंट द्वारा रिलीज किया, जहां पर नेटवर्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 नवंबर 2023 को रिलीज कर दिया। कहानी के नायक जया के अपनी वांछित पहचान तक पहुंचने और उसी पहचान पर काबू पाने के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे समाज में उस पर लेवल द्वारा लगा दिया गया। जय प्रभाकर के रूप में देखे गए और तानिया आशा के साथ वीरिया शेखर्स के साथ देखे गए। वहीं पर मूवी की श्रृंखला का निर्माण अजय प्रभाकरन द्वारा आरके इंटरमेंट के तहत मुथुआ म्यूजिकल पदम गिल के तहत किया गया था, जो इनके निजकोल को निधि रूप से देखे जाते हैं तथा फेम अरुणा राजा और कामराज की श्रृंखलाओं को निर्देशित व लेखन में छायाकान निर्देशन के साथ कृष्णा द्वारा किया गया। संपादक राजा अरुआ मुर्गन द्वारा संगीत सेम सीएम द्वारा तैयार किया तथा तमिल में अभिनेता जया को मुख्य भूमिकाओं की ओर दी गई, जहाँ पर समिति की श्रृंखला में यह उनकी दूसरी भूमिका थी। अभिनेत्री तानिया होम ने उनके साथ मुख्य भूमिकाओं के साथ मार्च 2023 के अंत में अभिनेता महेंद्र की श्रृंखलाओं में शामिल हो गए, जहां पर सीएम द्वारा देखा गया अरुण के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया, जो इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित करते हैं तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए दृश्यों को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया था। इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही सौंदर्य के साथ लाए गए थे। गुरुवार को श्रृंखला के साथ मूवी हिंदी मलयालम मराठी बंगाली तथा कन्नाडा में हो जाएगी, जो पहला पोस्टर मूवी को 23 मार्च 2023 को जारी कर दिया जाएगा तथा इनके दृश्यों को प्रभावित किया जाएगा। और इनकी श्रृंखला बहुत ही शानदार थी और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था। इन्होंने अपने दृश्यों के साथ योजना बनाई गई श्रृंखलाओं को जारी कर दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को एक अच्छे स्वरूपों के साथ उजागर कर ली। यह मूवी काफ़ी शानदार व मलयालम तिरुआ चिक विलम द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को आयोजित करके रखा था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में बताया गया था, जहां पर इनकी कथनांक बहुत ज़्यादा शानदार थी तथा दृश्यों को आयोजित करके बताया गया, जो बाहरी संदर्भ के साथ संबंधों को देखते हैं तथा इस मूवी में लेवल निस्द्रीम द्वारा देखे गए, जिसमें तानिया होप को देखा गया। बताया जाता है तानिया होप जो एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, कनाडा, तेलुगु फिल्मों में काम करती है। इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया तथा इनके मॉडलिंग करियर कोलकाता 2015 में बनी, जो फैमिली रूप से देखी जाती है और तेलुगु अल्टपोल्ट द्वारा देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को तेलुगु अल्टपोल्ट ओकाडुवेल द्वारा डेब्यू किया तथा इन्होंने पदार्पण के साथ लाए गए, जहां पर तानिया के होम के जन्मदिन के साथ प्लान करने लगा और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया। पूर्व व्यवसायी को वह बेंगलुरु के सेक्रेड हाइल्ड गलर्स द्वारा देखा जाएगा, जो इन्होंने वेस्टर्न मिस्ट विद्यालय द्वारा देखी गई तथा इन्होंने पुणे में टीआर ट्रेनिंगों के स्टूडियो में मॉडलिंग प्रशिक्षण में भाग लिया, जहां पर इन्हें अंत विद्यालय में
पढ़ाई की और मॉडलिंग प्रशिक्षण के साथ एमबीपीवी फेमियल इंडिया कोलकाता का खिताब जीता। 2016 में अपलोडेड रूप से देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया, श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया गया था। इस मूवी को एक अच्छे थम द्वारा मारीज थिरुमल द्वारा नायिकाओं के साथ आयोजित कर दी थी तथा इनके दृश्यों को होम मिनिस्ट्र जैसी फिल्मों को निभा रहे श्रीधर के व संतोष शोभना के साथ पेपर बॉयल कॉलेज द्वारा निर्धारित किया तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए श्रृंखलाओं को प्रायोगिक नज़र फिल्मोग्राफर के रूप में देखे जाते हैं तथा दृश्यों को प्रभावित करते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने फिल्मी के साथ देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। वहीं पर तानिया के साथ महेंद्र को भी देखा गया। बताया जाता है महेंद्र जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ आयोजित किया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिया गया जहां पर बताया जा रहा है और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस के साथ लाकर प्रभावित हो गई थी जहां पर देखे गए और इनके कथनांकों के साथ बनाई गई श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो महेंद्र के आजीविका द्वारा केएस रवि कुमार के नाटक मूरिक द्वारा देखा तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिए गए और इनकी कथनांक की दृष्टि बहुत ही बेहतरीन थी। इन्होंने अपने संयम के साथ योजना बनाई गई तथा कथनांकों के रूप में कहा गया जहां पर लाई गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया था तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और मूवी को एक अच्छे सहयोग के रूप में देखे गए जहां पर बताया गया जहां पर कथनांकों के साथ आयोजित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी शुरुआत थाईलैंड के साथ कर दी थी जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ जारी कर दिया गया जहां पर बताए गए यूनिवर्सिटी के श्रृंखलाओं को जारी कर दी थी तथा इन्होंने यह फिल्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा लघु उद्योग उत्तरी पर आधारित मूवी थी जो इनके साथ महेंद्र चरित्र चित्रण के साथ देखे गए जहां पर थपियाज द्वारा लाया गया तथा इन्होंने अपने फिल्मी ग्राफर को महत्वपूर्ण भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिया था। इन्होंने अपने साथ लाई गई श्रृंखलाओं से जोड़ा गया तथा इन्होंने अपने स्वरूपों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा इनके दृश्य बहुत ज़्यादा शानदार थे और इनके कथनांक को भी लाकर प्रभावित हो गई थी। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर करके बताई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया जहां पर समीक्षाओं फिल्मोग्राफर द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने साथ मूवी को जया के साथ देखा गया। बताया जाता है जया संपत जो इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिए गए थे। इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया। तमिल के प्रसिद्ध संगीतकार देवी के भतीजे श्रीकांत देवा जो चचेरे भाई के साथ लाया गया था और इन्होंने अपने साथ चेन्नई में पोस्ट कर दिया जहां पर मूवी को एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा और इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इनके सहयोग के साथ देखा जाएगा तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर भी कर देगा जो इनके भतीजन के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में निभाई गई जो सफलता के ऑडियन द्वारा दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं पर आयोजित कर लिया था। वहीं पर इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो
मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया था तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और एक बड़ी सफलता के साथ रहस्यमय अभिनय सराहना मिली, जो इन्हें व्यावसायिक रूप से जया के भिन्न भूमिकाओं में अधिक देर तक दिया गया, जो इन्होंने प्रशांता के साथ मिली जिसमें गोवा में छुट्टियाँ मना रहे थे और ग्रामीण एगोलिथिक एपोल थीम द्वारा डरपोक फैक्ट्री के साथ कर्मचारी रोमांस ड्रामा के साथ राजा रानी में एक ग्राहक देखभाल कार्यकारी शामिल था। उनका बड़ा सबसे बेटा विज्ञापन बन गया, जो सफल फिल्मों को उन्हें गायक के रूप में अपनी शुरुआत व जागुर डाइक रूप से देखे गए, जो उनकी शुरुआत में जीवन संगीतकार के रूप में परिवारों में जन्मे, जो जया ने कहा और संगीत ने उनके दिल के करीब था। उसने कभी बदलने व बढ़ने के वर्षों के साथ उन्हें प्रभावित किया गया, जो विशेष रूप से अपने चचा संगीतकार देवी को श्रीदेया द्वारा दिया गया, जहां पर अपनी स्कूली शिक्षा लेमोल स्कूल वायस द्वारा देखे गए, जो चेन्नई को पूरी तरह से उन्होंने टीटोन कॉलेज में लंदन की बोर्ड में पाँचवीं कक्षा को पूरी की और कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मों के संगीत रचनात्मक में शामिल को पसंद करेगी। उन्हें खुद को युवा शंकर राजा को काम को बहुत बड़ा प्रशंसक बताया, जो इनके साथ संगीत में काम को आगे निकालने के लिए देखा गया और आनंद वेंकटेश ने एक साथ साक्षात्कार उन्हें इस्लामा अपनाने के अफवाह को पुष्टि की। वे 7 वर्षों के इस्लाम द्वारा अभ्यास कर रहे थे, जो भविष्यवाणी में बदलने के साथ सीक्वेंस को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को उजागर कर लिया। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिए गए तथा इन्होंने अपनी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया, जो इनके साथ बताया जाता है तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ प्रभावित भी कर ली। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ उजागर किया गया था और इनकी श्रृंखला बहुत बेहतरीन ढंग से प्रभावित हो गई थी, जो इनके सहयोग के साथ बनाया गया था और इनकी कथनांकों के जरिए जारी कर दिए गए थे। वहीं पर इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लगाई गई श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया और इन्होंने अपने अभिनय करियर के साथ जया ने 18 साल की उम्र में 2002 के भावती के साथ विजय के छोटे भाई के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत, निर्देशन वेंकटेश के साथ जया को विजया के समान दिखने करना चुना लिया, जो TS का रीमेक और मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को पूरी होने के बावजूद रिलीज नहीं हुई। काम करने के बाद उम्मीद किया लेकिन कोई भी फिल्म बन पाई, जो उनके पास कल्लाइक द्वारा और वेन थाइक द्वारा कांडिंग में भूमिका सहित कई अन्य प्रस्ताव को आए, लेकिन यह जया को इस बात पर जोर दे रहे थे तो वह इस आधार पर चुने जाने के बजाय फिल्मों ने अपना स्थान के साथ अर्जित कर लिया। संगीत देवा के भतीजे को अर्जित करते हुए देखा गया तथा वह अपने अर्जित संगीतकारों द्वारा देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने देवी द्वारा उन्हें BR बोर्ड के साथ अपने दोस्तों गायकों युवेंद्र द्वारा जया को गोली क्रिकेट पर आधारित वेंकटेश ने प्रभु के निर्देशन में बनी पहली फिल्म चेन्नई को 6028 के साथ देखे, जहां पर यह भूमिका ऑडियन देने दिया गया और सिफारिश के साथ वह 11 मुख्य भूमिकाओं को ऑडियो देने वाले एकमात्र अभिनेता थे। फिल्म के लिए अंतिम चयन फिल्म की सफलता के बाद वेंकटेश ने प्रभु के साथ जुड़ाव शुरू किया और जया को बार प्रमुख का केमियों की भूमिकाओं के मध्य में प्रभु के उद्यगम में सहयोग की। इसके बाद वह नवद्वितीया को निर्देशन शशि कुमार ने उन्हें सुब्रापुरम द्वारा एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया। जब उन्हें देवा के आवास पर देखा तो जया ने स्क्रिप्ट सुनी और बिना किसी आधार पर फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। सुने बिना किसी आधार पर फिल्म को साइन कर लिए गए और निर्देशन में आमिर द्वारा निर्मित किया जाना था। 1980 के दशक में माधुरी द्वारा गांव पर आधारित फिल्म जो प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि का हिंसक घटनाओं पर श्रृंखलाओं के साथ कहानी बताते हैं और इस परियोजना के लिए 1980
के दशक में लुक को प्रतिबंधित करने के लिए जया को लंबे दाढ़ी बढ़ा ली, जो उन्होंने आलोचक द्वारा फिल्मों को जया के अभिनय की सराहना की और समीक्षाओं द्वारा कहा जो रोमांटिक किलर के रूप में जया के लोगों को पसंद आएगी वह भूमिकाओं को जीवित करता रहा। अपनी लंबी दाढ़ी के कारण वेंकट ने प्रभु की फिल्म सरोजनी की भूमिका ने खुद को समर्थन पाने के बाद उन्होंने ऐसे दृश्य की योजना बनाने में मदद की जिसमें उनकी पहली फिल्मों की कई अभिनेता के कैमियो की उपस्थिति होगी। बाद में जया ऑफ द बीट फिल्मों का अभिनय करना छोड़ दिया, जो व्यावसायिक फिल्म को एक अभिनेता के रूप में करियर बनाने के प्रयास के साथ देखे गए, जहां पर मार्च 2009 में अपनी प्रविष्टि के साथ फिल्मों को संभावित रूप से देखे गए और बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के बारे में विवाद आस्पद टिप्पणी करने के कारण मुसीबत में पड़ गए, जिसे उन्होंने अवधि के लिए आइन किया गया था तथा अभिनेता उस समय वामन द्वारा अवल पीआर तामिराजिक द्वारा अंध नेमार द्वारा अंध इतियान अर्जुन कादोनी के लिए फिल्मांकन कर रहे थे और खुलासा किया वे वामल्य की अच्छा प्रदर्शन करेगा और बाकी सभी वित्तीय फिल्मों को विफल बन जाएगी। उनकी फिल्म के निर्माण यह भी खुलासा करेगी कि वे अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना नुकसानदायक बयान देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम के परिषद ने उन्हें विंकट प्रभु ने गोवा से शुरू की, जहां पर किसी भी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया था। फिल्म निर्माण सौंदर्य रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा जया के प्रतिबंध के बाहर निकाल दिया गया। उनकी अगली रिलीज फिल्म अहमद द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं द्वारा आयोजित कर लिया गया था। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी शानदार दृश्यों के साथ आयोजित कर दिया गया था, जो वामन लक्ष्मी के प्रदर्शन करेगी, बाकी सभी वित्तीय विफलताओं में बन जाएगी, जो उनकी फिल्म के निर्माण में खुलासा किया जाएगा। अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना को नुकसानदायक बनाने देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम परिषद ने उन्हें वेंकट प्रभु के गोवा के साथ शुरुआत होने वाली थी, जो किसी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले अपने लंबी कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया। फिल्म को निर्माता सौंदर्य ने रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा किया और जया के प्रतिबंधताओं के बाहर निकाल लिया। उनकी अगली फिल्म रिलीज अहमद वामन थी, जो एक्शन थिएटर थी, जिसमें प्रिया आनंद ने लक्ष्मी राय और रहमान ने अभिनय किया, जिसमें उनकी पहली फिल्म व्यावसायिक भूमिका थी, जो आलोचकों द्वारा कहा गया और तेज स्टेट द्वारा रिलीज कर दिया गया, जहां पर इनकी श्रृंखला बहुत ज़्यादा शानदार थी। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं में अपनी नींद भरी आंखों में ऐसा लगता है कि वो वास्तव में इस फिल्म के बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद ही उन्हें वेंकट प्रभु को रोमांटिक कॉमेडी गोवा के साथ देखा गया। उन्होंने वैभव रेड्डी के प्रेमगिरी कामेरियन के साथ गोवा के एक युवा यात्रा के एक ग्रामीण भूमिका निभाई। फिल्मों में जया के अस्थायी प्रतिबंध के कारण परियोजना में देरी हुई थी और उन्हें राम द्वारा अपने चरित्र चित्रण करने के लिए पहली बार फिर से दाढ़ी के बढ़ जाते हैं, जो रिलीज के साथ फिल्म को सकारात्मक प्रचार के बावजूद इसे बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत समीक्षाओं और संग्रह मिला। वह अपने किरदार में असफल प्रतिबद्धताओं करने को पूरी तरह से अवकल पीआर तामिराजू द्वारा अलग अलग लुक में देखने के साथ देखे, जिनमें वह मुख्य भूमिकाओं में 18 वर्ष के लड़के 18वीं के साथ देखी गई, जहाँ पर विकास को प्रतिबद्धताओं के कारण पूरी फिल्म अवल पीआर जो तामिराजू को अलग लुक में दिखाई गई थी, जिनमें से मुख्य रूप से 18 वर्षीय लड़के वो 18 वर्षीय व्यक्तियों का था। उन्होंने अगले लड़के जैसे दिखने के लिए अपना वजन कम कर लिया और उन्होंने फिल्म अपने 20वीं दशा के अंत में पारिकल्पिक व्यक्ति को दिखने के वजन से मांसपेशियों को जोड़ा। वह आलोचक ने जया के प्रदर्शन में सराहना करते हुए कहा, वह दिखाया गया वह अच्छा अभिनेता बनने के लिए खुद को तैयार करने के लिए प्रतिक्रिया ला सकता है, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसी तरह रोमांटिक फिल्म
कानी मोजिक ने उनके प्रदर्शन को बहुत ही पसंद करेगी योग्य बनाता गया और कहा गया कि वह स्वामित्व प्रदर्शन के सामने आए थे, लेकिन फिल्म को व्यावसायिक रूप विफल करती है, जो अपनी लगातार फिल्म को 5 असफल फिल्मों पर चर्चा करते और जया ने अपनी स्वीकार कर लिया, जो अपने करियर के उसी अवधि के दौरान फिल्म के स्वामित्व के साथ देखे गए तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया था, जो काफ़ी शानदार। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ लेवल टीवी श्रृंखला फिल्म के बारे में, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। और यह मूवी भारत के तमिल भाषा के अरुणा कामराज द्वारा निर्देशित के साथ मूवी को 2023 में तमिल भाषा द्वारा स्ट्रीमिंग किया, जहां पर टेलीविज़न श्रृंखलाओं द्वारा यह फिल्म को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला में मुख्य कलाकार जय तनिया, होप और महेंद्रन शामिल है। इसका प्रीमियम 10 नवंबर 2023 को होना है। इसमें 10 एपिसोड शामिल है। मूवी की शैली कार्यवाहिक है और नाटक के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया। इस मूवी को अरनाच कामराज द्वारा लिखा गया तथा इसका निर्देशन अरनाच कामराज है। वहीं पर अभिनेता जया और तानिया आशा के साथ देखे गए, जहां पर महेंद्र को दिया गया और संगीत को सेम एस कुमार द्वारा दिया गया, जहां पर उद्भव देश के साथ लाया गया और भारत में तमिल भाषा के साथ मूवी को आयोजित कर दिया। रीतियों की संख्याओं द्वारा आयोजित कर दी गई और एपिसोड की संख्या 5 थी। निर्माता अजय प्रभाकर और छायाकांत दिनेश कृष्ण द्वारा दिया गया, जहां पर संपादक राजा मुर्गन के साथ देखी गई। और इसकी उत्पादन कंपनी मुथुआ म्यूजिकल थे, जहां पर पद में पागल के साथ आर्केस्ट इंटरमेंट द्वारा रिलीज किया, जहां पर नेटवर्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 नवंबर 2023 को रिलीज कर दिया। कहानी के नायक जया के अपनी वंचित पहचान तक पहुंचने और उसी पहचान पर काबू पाने के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे समाज में उस पर लेवल द्वारा लगा दिया गया। जय प्रभाकर के रूप में देखे गए और तानिया आशा के साथ वीरिया शेखर्स के साथ देखे गए। वहीं पर मूवी की श्रृंखला का निर्माण अजय प्रभाकरन द्वारा आरके इंटरमेंट के तहत मुथुआ म्यूजिकल पदम गिल के तहत किया गया था, जो इनके निजकोल को निधि रूप से देखे जाते हैं तथा फेम अरुणा राजा और कामराज की श्रृंखलाओं को निर्देशित व लेखन में छायाकांत निर्देशन के साथ कृष्णा द्वारा किया गया। संपादक राजा अरुआ मुर्गन द्वारा संगीत सेम सीएम द्वारा तैयार किया तथा तमिल में अभिनेता जया को मुख्य भूमिकाओं की ओर दी गई, जहाँ पर समिति की श्रृंखला में यह उनकी दूसरी भूमिका थी। अभिनेत्री तानिया होम ने उनके साथ मुख्य भूमिकाओं के साथ मार्च 2023 के अंत में अभिनेता महेंद्र की श्रृंखलाओं में शामिल हो गए, जहां पर सीएम द्वारा देखा गया अरुण के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया, जो इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित करते हैं तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए दृश्यों को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया था। इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही सौंदर्य के साथ लाए गए थे। गुरुवार को श्रृंखला के साथ मूवी हिंदी मलयालम मराठी बंगाली तथा कन्नाडा में हो जाएगी, जो पहला पोस्टर मूवी को 23 मार्च 2023 को जारी कर दिया जाएगा तथा इनके दृश्यों को प्रभावित किया जाएगा। और इनकी श्रृंखला बहुत ही शानदार थी और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था। इन्होंने अपने दृश्यों के साथ योजना बनाई गई श्रृंखलाओं को जारी कर दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को एक अच्छे स्वरूपों के साथ उजागर कर ली। यह मूवी काफ़ी शानदार व मलयालम तिरुआ चिक विलम द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को आयोजित करके रखा था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में बताया गया था, जहां पर इनकी कथनांक बहुत ज़्यादा शानदार थी तथा दृश्यों को आयोजित करके बताया गया, जो बाहरी संदर्भ के साथ संबंधों को देखते हैं तथा इस मूवी में लेवल निस्तरीन द्वारा देखे गए, जिसमें तानिया होप को देखा गया। बताया जाता है तानिया होप जो एक भारतीय अभिनेत्री मॉडल कनाडा तेलुगु फिल्मों में काम करती है, इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया तथा इनके मॉडलिंग करियर कोलकाता 2015 में बनी, जो फैमिल रूप से देखी जाती है और तेलुगी अल्टपोल्ट द्वारा देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को तेलुगु अल्टपोल्ट ओकाडुवेल द्वारा डेब्यू किया तथा इन्होंने पदार्पण के साथ
लाए गए, जहाँ पर तानिया के होम के जन्मदिन के साथ प्लान करने लगा और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया। पूर्व व्यवसायी को वह बेंगलुरु के सेक्रेड हाइल्ड गलर्स द्वारा देखा जाएगा, जो इन्होंने वेस्टर्न मिस्ट विश्वविद्यालय द्वारा देखी गई तथा इन्होंने पुणे में टीआर ट्रेनिंगों के स्टूडियो में मॉडलिंग प्रशिक्षण में भाग लिया, जहाँ पर इन्हें अंत विद्यालय में पढ़ाई की और मॉडलिंग प्रशिक्षण के साथ MBPV फेमियल इंडिया कोलकाता का खिताब जीता। 2016 में अपलोडेड रूप से देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया, श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया गया था। इस मूवी को एक अच्छे थम द्वारा मारीज थिरुमल द्वारा नायिकाओं के साथ आयोजित कर दी थी तथा इनके दृश्यों को होम मिनिस्टर जैसी फिल्मों को निभा रहे श्रीधर के व संतोष शोभना के साथ पेपर बॉयल कॉलेज द्वारा निर्धारित किया तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए श्रृंखलाओं को प्रायोगिक नज़र फिल्मोग्राफर के रूप में देखे जाते हैं तथा दृश्यों को प्रभावित करते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने फिल्मी के साथ देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। वहीं पर तानिया के साथ महेंद्र को भी देखा गया। बताया जाता है महेंद्र जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता है, जो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ आयोजित किया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिया गया, जहां पर बताया जा रहा है और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस के साथ लाकर प्रभावित हो गई थी, जहां पर देखे गए और इनके कथनांकों के साथ बनाई गई श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो महेंद्र के आजीविका द्वारा RKS रवि कुमार के नाटक मूरिक द्वारा देखा तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिए गए और इनकी कथनांक की दृष्टि बहुत ही बेहतरीन थी। इन्होंने अपने संयम के साथ योजना बनाई गई तथा कथनांकों के रूप में कहा गया, जहां पर लाई गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया था तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और मूवी को एक अच्छे सहयोग के रूप में देखे गए, जहां पर बताया गया, जहां पर कथनांकों के साथ आयोजित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी शुरुआत थाईलैंड के साथ कर दी थी, जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ जारी कर दिया गया, जहां पर बताए गए यूनिवर्सिटी के श्रृंखलाओं को जारी कर दी थी तथा इन्होंने यह फिल्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा लघु उद्योग उत्तरीक पर आधारित मूवी थी, जो इनके साथ महेंद्र चरित्र चित्रण के साथ देखे गए, जहां पर थापियाज द्वारा लाया गया तथा इन्होंने अपने फिल्मी ग्राफर को महत्वपूर्ण भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिया था। इन्होंने अपने साथ लाई गई श्रृंखलाओं से जोड़ा गया तथा इन्होंने अपने स्वरूपों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा इनके दृश्य बहुत ज़्यादा शानदार थे और इनके कथनांक को भी लाकर प्रभावित हो गई थी। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर करके बताई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया, जहां पर समीक्षाओं फिल्मोग्राफर द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने साथ मूवी को जया के साथ देखा गया। बताया जाता है जया संपत, जो इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिए गए थे। इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया। तमिल के प्रसिद्ध संगीतकार देवी के भतीजे श्रीकांत देवा, जो चचेरे भाई के साथ लाया गया था और इन्होंने अपने साथ चेन्नई में पोस्ट कर दिया, जहां पर मूवी को एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा और इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो
इनके सहयोग के साथ देखा जाएगा तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर भी कर देगा, जो इनके भतीजन के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में निभाई गई, जो सफलता के ओडियन द्वारा दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं पर आयोजित कर लिया था। वहीं पर इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया था तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और एक बड़ी सफलता के साथ रहस्यमय अभिनय सराहना मिली, जो इन्हें व्यावसायिक रूप से जया के भिन्न भूमिकाओं में अधिक देर तक दिया गया, जो इन्होंने प्रशांता के साथ मिली, जिसमें गोवा में छुट्टियाँ मना रहे थे और ग्रामीण एगोलिथिक एपोल थीम द्वारा डरपोक फैक्ट्री के साथ कर्मचारी रोमांस ड्रामा के साथ राजा रानी में एक ग्राहक देखभाल कार्यकारी शामिल था। उनका बड़ा सबसे बेटा विज्ञापन बन गया, जो सफल फिल्मों को उन्हें गायक के रूप में अपनी शुरुआत व जागुर डाइक रूप से देखे गए, जो उनकी शुरुआत में जीवन संगीतकार के रूप में परिवारों में जन्मे, जो जया ने कहा और संगीत ने उनके दिल के करीब था। उसने कभी बदलने व बढ़ने के वर्षों के साथ उन्हें प्रभावित किया गया, जो विशेष रूप से अपने चचा संगीतकार देवी को श्रीदेया द्वारा दिया गया, जहां पर अपनी स्कूली शिक्षा लेमोल स्कूल वायस द्वारा देखे गए, जो चेन्नई को पूरी तरह से उन्होंने टीटोन कॉलेज में लंदन की बोर्ड में पाँचवीं कक्षा को पूरी की और कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मों के संगीत रचनात्मक में शामिल को पसंद करेगी। उन्हें खुद को युवा शंकर राजा को काम को बहुत बड़ा प्रशंसक बताया, जो इनके साथ संगीत में काम को आगे निकालने के लिए देखा गया और आनंद वेंकटेश ने एक साथ साक्षात्कार उन्हें इस्लामा अपनाने की अफवाह को पुष्टि की। वे 7 वर्षों के इस्लाम द्वारा अभ्यास कर रहे थे, जो भविष्यवाणी में बदलने के साथ सीक्वेंस को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को उजागर कर लिया। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिए गए तथा इन्होंने अपनी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया, जो इनके साथ बताया जाता है तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ प्रभावित भी कर ली। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ उजागर किया गया था और इनकी श्रृंखला बहुत बेहतरीन ढंग से प्रभावित हो गई थी, जो इनके सहयोग के साथ बनाया गया था और इनकी कथनांकों के जरिए जारी कर दिए गए थे। वहीं पर इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लगाई गई श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया और इन्होंने अपने अभिनय करियर के साथ जया ने 18 साल की उम्र में 2002 के भावती के साथ विजय के छोटे भाई के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत, निर्देशन वेंकटेश के साथ जया को विजया के समान दिखने करना चुना लिया, जो TS का रीमेक और मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को पूरी होने के बावजूद रिलीज नहीं हुई। काम करने के बाद उम्मीद किया लेकिन कोई भी फिल्म बन पाई, जो उनके पास कल्लाइक द्वारा और वेन थाइक द्वारा कांडिंग में भूमिका सहित कई अन्य प्रस्ताव को आए, लेकिन यह जया को इस बात पर जोर दे रहे थे तो वह इस आधार पर चुने जाने के बजाय फिल्मों ने अपना स्थान के साथ अर्जित कर लिया। संगीत देवा के भतीजे को अर्जित करते हुए देखा गया तथा वह अपने अर्जित संगीतकारों द्वारा देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने देवी द्वारा उन्हें बिहार बोर्ड के साथ अपने दोस्तों गायकों युवेंद्र द्वारा जया को गोली क्रिकेट पर आधारित वेंकटेश ने प्रभु के निर्देशन में बनी पहली फिल्म चेन्नई को 6028 के साथ देखे, जहां पर यह भूमिका ओडियन देने दिया गया और सिफारिश के साथ वह 11 मुख्य भूमिकाओं को ऑडियो देने वाले एकमात्र अभिनेता थे। फिल्म के लिए अंतिम चयन फिल्म की सफलता के बाद वेंकटेश ने प्रभु के साथ जुड़ाव शुरू किया और जया को बार बार
चार प्रमुख का केमियो की भूमिकाओं के मध्य में प्रभु के उद्यगम में सहयोग की। इसके बाद वह नवद्वितीया को निर्देशन शशि कुमार ने उन्हें सुब्रापुरम द्वारा एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया। जब उन्हें देवा के आवास पर देखा तो जया ने स्क्रिप्ट सुनी और बिना किसी आधार पर फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। सुने बिना किसी आधार पर फिल्म को साइन कर लिए गए और निर्देशन में आमिर द्वारा निर्मित किया जाना था। 1980 के दशक में माधुरी द्वारा गांव पर आधारित फिल्म जो प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि का हिंसक घटनाओं पर श्रृंखलाओं के साथ कहानी बताते हैं और इस परियोजना के लिए 1980 के दशक में लुक के प्रतिबंधित करने के लिए जया को लंबे दाढ़ी बढ़ा ली, जो उन्होंने आलोचक द्वारा फिल्मों को जया के अभिनय की सराहना की और समीक्षाओं द्वारा कहा जो रोमांटिक किलर के रूप में जया के लोगों को पसंद आएगी वह भूमिकाओं को जीवित करता रहा। अपनी लंबी दाढ़ी के कारण वेंकट ने प्रभु की फिल्म सरोजनी की भूमिका ने खुद को समर्थन पाने के बाद उन्होंने ऐसे दृश्य की योजना बनाने में मदद की जिसमें उनकी पहली फिल्मों की कई अभिनेता के कैमियो की उपस्थिति होगी। बाद में जया ऑफ द बीट फिल्मों का अभिनय करना छोड़ दिया, जो व्यावसायिक फिल्म को एक अभिनेता के रूप में करियर बनाने के प्रयास के साथ देखे गए, जहां पर मार्च 2009 में अपनी प्रविष्टि के साथ फिल्मों को संभावित रूप से देखे गए और बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण मुसीबत में पड़ गए, जिसे उन्होंने अवधि के लिए आइन किया गया था तथा अभिनेता उस समय वामन द्वारा अव्वल, पीआर तामिराजिक द्वारा अंध, नेमार द्वारा अंध, इतियान अर्जुन कादोनी के लिए फिल्मांकन कर रहे थे और खुलासा किया वे वामल्य की अच्छा प्रदर्शन करेगा और बाकी सभी वित्तीय फिल्मों को विफल बन जाएगी। उनकी फिल्म के निर्माण यह भी खुलासा करेगी कि वे अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना नुकसानदायक बयान देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम के परिषद ने उन्हें विंकट प्रभु ने गोवा से शुरू की, जहां पर किसी भी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया था। फिल्म निर्माण सौंदर्य रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा जया के प्रतिबंध के बाहर निकाल दिया गया। उनकी अगली रिलीज फिल्म अहमद द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं द्वारा आयोजित कर लिया गया था। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी शानदार दृश्यों के साथ आयोजित कर दिया गया था, जो वामन लक्ष्मी के प्रदर्शन करेगी, बाकी सभी वित्तीय विफलताओं में बन जाएगी, जो उनकी फिल्म के निर्माण में खुलासा किया जाएगा। अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना को नुकसानदायक बनाने देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम परिषद ने उन्हें वेंकट प्रभु के गोवा के साथ शुरुआत होने वाली थी, जो किसी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले अपने लंबी कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया। फिल्म को निर्माता सौंदर्य ने रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा किया और जया के प्रतिबंधताओं के बाहर निकाल लिया। उनकी अगली फिल्म रिलीज अहमद वामन थी, जो एक्शन थिएटर थी, जिसमें प्रिया आनंद ने लक्ष्मी राय और रहमान ने अभिनय किया, जिसमें उनकी पहली फिल्म व्यावसायिक भूमिका थी, जो आलोचकों द्वारा कहा गया और तेज स्टेट द्वारा रिलीज कर दिया गया, जहां पर इनकी श्रृंखला बहुत ज़्यादा शानदार थी। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं में अपनी नींद भरी आंखों में ऐसा लगता है कि वो वास्तव में इस फिल्म के बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद ही उन्हें वेंकट प्रभु को रोमांटिक कॉमेडी गोवा के साथ देखा गया। उन्होंने वैभव रेड्डी के प्रेमगिरी कामेरियन के साथ गोवा के एक युवा यात्रा के एक ग्रामीण भूमिका निभाई। फिल्मों में जया के अस्थायी प्रतिबंध के कारण परियोजना में देरी हुई थी और उन्हें राम द्वारा अपने चरित्र चित्रण करने के लिए पहली बार फिर से दाढ़ी के बढ़ जाते हैं, जो रिलीज के साथ फिल्म को सकारात्मक प्रचार के बावजूद इसे बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत समीक्षाओं और संग्रह मिला। वह अपने किरदार में असफल प्रतिबद्धताओं करने को पूरी तरह से अवकल पीआर तामिराजू द्वारा अलग अलग लुक में देखने के साथ देखे, जिनमें वह मुख्य भूमिकाओं में 18 वर्ष के लड़के 18वीं के साथ देखी गई, जहाँ पर विकास को प्रतिबद्धताओं के कारण
पूरी फिल्म अवल पियार जो तमिराजू को अलग लुक में दिखाई गई थी, जिनमें से मुख्य रूप से 18 वर्षीय लड़की व 18 वर्षीय व्यक्तियों का था। उन्होंने अगले लड़के जैसे दिखने के लिए अपना वजन कम कर लिया और उन्होंने फिल्म अपने 20वीं दशा के अंत में पारिकल्पिक व्यक्ति को दिखने के वजन से मांसपेशियों को जोड़ व आलोचक ने जया के प्रदर्शन में सराहना करते हुए कहा, वह दिखाया गया वह अच्छा अभिनेता बनने के लिए खुद को तैयार करने के लिए प्रतिक्रिया ला सकता है, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसी तरह रोमांटिक फिल्म कानी मोजिक ने उनके प्रदर्शन को बहुत ही पसंद करेगी योग्य बनाता गया और कहा गया कि वह स्वामित्व प्रदर्शन के सामने आए थे, लेकिन फिल्म को व्यावसायिक रूप विफल करती है, जो अपनी लगातार फिल्म को 5 असफल फिल्मों पर चर्चा करते और जया ने अपनी स्वीकार कर लिया, जो अपने करियर के उसी अवधि के दौरान फिल्म के स्वामित्व के साथ देखे गए तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया था, जो काफ़ी शानदार। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ लेवल टीवी श्रृंखला फिल्म के बारे में जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, और यह मूवी भारत के तमिल भाषा के अरुणा कामराज द्वारा निर्देशित के साथ मूवी को 2023 में तमिल भाषा द्वारा स्ट्रीमिंग किया, जहां पर टेलीविज़न श्रृंखलाओं द्वारा यह फिल्म को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला में मुख्य कलाकार जय तनिया होप और महेंद्रन शामिल है। इसका प्रीमियम 10 नवंबर 2023 को होना है। इसमें 10 एपिसोड शामिल है। मूवी की शैली कार्यवाहिक है और नाटक के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया। इस मूवी को अरनाच कामराज द्वारा लिखा गया तथा इसका निर्देशन अरनाच कामराज है। वहीं पर अभिनेता जया और तानिया आशा के साथ देखे गए, जहाँ पर महेंद्र को दिया गया और संगीत को सेम एस कुमार द्वारा दिया गया, जहाँ पर उद्भव देश के साथ लाया गया और भारत में तमिल भाषा के साथ मूवी को आयोजित कर दिया। रीतियों की संख्याओं द्वारा आयोजित कर दी गई और एपिसोड की संख्या 5 थी। निर्माता अजय प्रभाकर और छायाकांत दिनेश कृष्ण द्वारा दिया गया, जहाँ पर संपादक राजा मुर्गन के साथ देखी गई और इनकी उत्पादन कंपनी मुथुआ म्यूजिकल थे, जहाँ पर पद में पागल के साथ आर्केस्ट इंटरमेंट द्वारा रिलीज किया, जहाँ पर नेटवर्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 नवंबर 2023 को रिलीज कर दिया। कहानी के नायक जया के अपनी वंचित पहचान तक पहुंचने और उसी पहचान पर काबू पाने के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे समाज में उस पर लेवल द्वारा लगा दिया गया। जय प्रभाकर के रूप में देखे गए और तानिया आशा के साथ वीरिया शेखर्स के साथ देखे गए। वहीं पर मूवी की श्रृंखला का निर्माण अजय प्रभाकरन द्वारा आरके इंटरमेंट के तहत मुथुआ म्यूजिकल पदम गिल के तहत किया गया था, जो इनके निजकोल को निधि रूप से देखे जाते हैं तथा फेम अरुणा राजा और कामराज की श्रृंखलाओं को निर्देशित व लेखन में छायाकांत निर्देशन के साथ कृष्णा द्वारा किया गया। संपादक राजा अरुआ मुर्गन द्वारा संगीत सेम सीएम द्वारा तैयार किया तथा तमिल में अभिनेता जया को मुख्य भूमिकाओं की ओर दी गई, जहाँ पर समिति की श्रृंखला में यह उनकी दूसरी भूमिका थी। अभिनेत्री तानिया होम ने उनके साथ मुख्य भूमिकाओं के साथ मार्च 2023 के अंत में अभिनेता महेंद्र की श्रृंखलाओं में शामिल हो गए, जहां पर सीएम द्वारा देखा गया अरुण के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया, जो इनके श्रृंखलाओं को आयोजित करते हैं तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए दृश्यों को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया था। इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही सौंदर्य के साथ लाए गए थे। गुरुवार को श्रृंखला के साथ मूवी हिंदी मलयालम मराठी बंगाली तथा कन्नाडा में हो जाएगी, जो पहला पोस्टर मूवी को 23 मार्च 2023 को जारी कर दिया जाएगा तथा इनके दृश्यों को प्रभावित किया जाएगा। और इनकी श्रृंखला बहुत ही शानदार थी और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था। इन्होंने अपने दृश्यों के साथ योजना बनाई गई श्रृंखलाओं को जारी कर दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को एक अच्छे स्वरूपों के साथ उजागर कर ली। यह मूवी काफ़ी शानदार व मलयालम तिरुवा चिक विलम द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने श्रृंखला
श्रृंखलाओं को आयोजित करके रखा था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में बताया गया था, जहां पर इनकी कथनांक बहुत ज़्यादा शानदार थी तथा दृश्यों को आयोजित करके बताया गया जो बाहरी संदर्भ के साथ संबंधों को देखते हैं तथा इस मूवी में लेवल निश्रीम द्वारा देखे गए, जिसमें तानिया होप को देखा गया। बताया जाता है तानिया होप जो एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, कनाडा, तेलुगु फिल्मों में काम करती है। इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया तथा इनके मॉडलिंग करियर कोलकाता 2015 में बनी, जो फैमिली रूप से देखी जाती है और तेलुगु अल्टपोल्ट द्वारा देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को तेलुगु अल्टपोल्ट ओकाडुवेल द्वारा डेब्यू किया तथा इन्होंने पदार्पण के साथ लाए गए, जहां पर तानिया के होम के जन्मदिन के साथ प्लान करने लगा और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया। पूर्व व्यवसायी को वह बेंगलुरु के सेक्रेट हाइल्ड गलर्स द्वारा देखा जाएगा, जो इन्होंने वेस्टर मिस्ट विद्यालय द्वारा देखी गई तथा इन्होंने पुणे में टीआर ट्रेनिंगों के स्टूडियो में मॉडलिंग प्रशिक्षण में भाग लिया, जहां पर इन्हें अंत विद्यालय में पढ़ाई की और मॉडलिंग प्रशिक्षण के साथ एमबीपीवी फेमियल इंडिया कोलकाता का खिताब जीता। 2016 में अपलोडेड रूप से देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया, श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया गया था। इस मूवी को एक अच्छे थम द्वारा मारीज थिरुमल द्वारा नायिकाओं के साथ आयोजित कर दी थी तथा इनके दृश्यों को होम मिनिस्टर जैसी फिल्मों को निभा रही श्रीधर के व संतोष शोभना के साथ पेपर बॉयल कॉलेज द्वारा निर्धारित किया तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए श्रृंखलाओं को प्रायोगिक नज़र फिल्मोग्राफर के रूप में देखे जाते हैं तथा दृश्यों को प्रभावित करते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने फिल्मी के साथ देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। वहीं पर तानिया के साथ महेंद्र को भी देखा गया। बताया जाता है महेंद्र जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता है, जो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ आयोजित किया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिया गया, जहां पर बताया जा रहा है और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस के साथ लाकर प्रभावित हो गई थी, जहां पर देखे गए और इनके कथनांकों के साथ बनाई गई श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो महेंद्र के आजीविका द्वारा के एस रवि कुमार के नाटक मूरिक द्वारा देखा तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिए गए और इनकी कथनांक की दृष्टि बहुत ही बेहतरीन थी। इन्होंने अपने संयम के साथ योजना बनाई गई तथा कथनांकों के रूप में कहा गया, जहां पर लाई गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया था तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और मूवी को एक अच्छे सहयोग के रूप में देखे गए, जहां पर बताया गया, जहां पर कथनांकों के साथ आयोजित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी शुरुआत थाईलैंड के साथ कर दी थी, जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ जारी कर दिया गया, जहां पर बताए गए यूनिवर्सिटी के श्रृंखलाओं को जारी कर दी थी तथा इन्होंने यह फिल्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा लघु उद्योग उत्तरी पर आधारित मूवी थी, जो इनके साथ महेंद्र चरित्र चित्रण के साथ देखे गए, जहां पर थापियाज द्वारा लाया गया तथा इन्होंने अपने फिल्मी ग्राफर को महत्वपूर्ण भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिया था। इन्होंने अपने साथ लाई गई श्रृंखलाओं से जोड़ा गया तथा इन्होंने अपने स्वरूपों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा इनके दृश्य बहुत ज़्यादा शानदार थे और इनके कथनांक को भी लाकर
प्रभावित हो गई थी। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर करके बताई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया। जहां पर समीक्षाओं फिल्मोग्राफर द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने साथ मूवी को जया के साथ देखा गया। बताया जाता है जया संपत जो इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिए गए थे। इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाई गई श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया। तमिल के प्रसिद्ध संगीतकार देवी के भतीजे श्रीकांत देवा जो चचेरे भाई के साथ लाया गया था और इन्होंने अपने साथ चेन्नई में पोस्ट कर दिया, जहां पर मूवी को एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इनके सहयोग के साथ देखा जाएगा तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर भी कर देगा, जो इनके भतीजन के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में निभाई गई, जो सफलता के ऑडियन द्वारा दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं पर आयोजित कर लिया था। वहीं पर इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया था तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और एक बड़ी सफलता के साथ रहस्यमय अभिनय सराहना मिली, जो इन्हें व्यावसायिक रूप से जया के भिन्न भूमिकाओं में अधिक देर तक दिया गया, जो इन्हों प्रशांता के साथ मिली जिसमें गोवा में छुट्टियाँ मना रहे थे और ग्रामीण एगोलिथिक एपोल थीम द्वारा डरपोक फैक्ट्री के साथ कर्मचारी रोमांस ड्रामा के साथ राजा रानी में एक ग्राहक देखभाल कार्यकारी शामिल था। उनका बड़ा सबसे बेटा विज्ञापन बन गया, जो सफल फिल्मों को उन्हें गायक के रूप में अपनी शुरुआत व जागुर डाइक रूप से देखे गए, जो उनकी शुरुआत में जीवन संगीतकार के रूप में परिवारों में जन्मे, जो जया ने कहा और संगीत ने उनके दिल के करीब था। उसने कभी बदलने व बढ़ने के वर्षों के साथ उन्हें प्रभावित किया गया, जो विशेष रूप से अपने चचा संगीतकार देवी को श्री दिया द्वारा दिया गया, जहां पर अपनी स्कूली शिक्षा लेमोल स्कूल वायस द्वारा देखे गए, जो चेन्नई को पूरी तरह से उन्होंने टीटोन कॉलेज में लंदन की बोर्ड में पाँचवीं कक्षा को पूरी की और कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मों के संगीत रचनात्मक में शामिल को पसंद करेगी। उन्हें खुद को युवा शंकर राजा को काम को बहुत बड़ा प्रशंसक बताया, जो इनके साथ संगीत में काम को आगे निकालने के लिए देखा गया और आनंद वेंकटेश ने एक साथ साक्षात्कार उन्हें इस्लामा अपनाने की अफवाह को पुष्टि की। वे 7 वर्षों के इस्लाम द्वारा अभ्यास कर रहे थे, जो भविष्यवाणी में बदलने के साथ सीक्वेंस को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को उजागर कर लिया। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिए गए तथा इन्होंने अपनी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया, जो इनके साथ बताया जाता है तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ प्रभावित भी कर ली। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ उजागर किया गया था और इनकी श्रृंखला बहुत बेहतरीन ढंग से प्रभावित हो गई थी, जो इनके सहयोग के साथ बनाया गया था और इनकी कथनांकों के जरिए जारी कर दिए गए थे। वहीं पर इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लगाई गई श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया और इन्होंने अपने अभिनय करियर के साथ जया ने 18 साल की उम्र में 2002 के भावती के साथ विजय के छोटे भाई के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत, निर्देशन वेंकटेश के साथ जया को विजया के समान दिखने करना चुना लिया, जो TS का रीमेक और मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को पूरी होने के बावजूद रिलीज नहीं हुई। काम करने के बाद उम्मीद किया लेकिन कोई भी फिल्म बन पाई, जो उनके पास कल्लाइक द्वारा और वेन थाइक द्वारा कांडिंग में भूमिका सहित कई अन्य प्रस्ताव को आए, लेकिन यह जया को इस बात पर जोर दे रहे थे तो वह इस आधार पर चुने जाने के बजाय फिल्मों ने अपना स्थान के साथ अर्जित कर लिया। संगीत देवा के भतीजे को अर्जित करते हुए देखा गया तथा वह अपने अर्जित संगीतकारों द्वारा देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने देवी द्वारा
उन्हें बिहार बोर्ड के साथ अपने दोस्तों गायकों युवेंद्र द्वारा जया को गोली क्रिकेट पर आधारित वेंकटेश ने प्रभु के निर्देशन में बनी पहली फिल्म चेन्नई को 6/28 के साथ देखे, जहां पर यह भूमिका ऑडियन देने दिया गया और सिफारिश के साथ वह 11 मुख्य भूमिकाओं को ऑडियो देने वाले एकमात्र अभिनेता थे। फिल्म के लिए अंतिम चयन। फिल्म की सफलता के बाद वेंकटेश ने प्रभु के साथ जुड़ाव शुरू किया और जया को बार प्रमुख का केमियो की भूमिकाओं के मध्य में प्रभु के उद्यम में सहयोग की। इसके बाद वह नवद्वितीया को निर्देशन शशि कुमार ने उन्हें सुब्रापुरम द्वारा एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया। जब उन्हें देवा के आवास पर देखा तो जया ने स्क्रिप्ट सुनी और बिना किसी आधार पर फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। सुने बिना किसी आधार पर फिल्म को साइन कर लिए गए और निर्देशन में आमिर द्वारा निर्मित किया जाना था। 1980 के दशक में माधुरी द्वारा गांव पर आधारित फिल्म जो प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि का हिंसक घटनाओं पर श्रृंखलाओं के साथ कहानी बताते हैं और इस परियोजना के लिए 1980 के दशक में लुक के प्रतिबंधित करने के लिए जया को लंबे दाढ़ी बढ़ा ली, जो उन्होंने आलोचक द्वारा फिल्मों को जया के अभिनय की सराहना की और समीक्षाओं द्वारा कहा जो रोमांटिक किलर के रूप में जया के लोगों को पसंद आएगी, वह भूमिकाओं को जीवित करता रहा। अपनी लंबी दाढ़ी के कारण वेंकट ने प्रभु की फिल्म सरोजनी की भूमिका ने खुद को समर्थन पाने के बाद उन्होंने ऐसे दृश्य की योजना बनाने में मदद की जिसमें उनकी पहली फिल्मों की कई अभिनेता के कैमियो की उपस्थिति होगी। बाद में जया ऑफ द बीट फिल्मों का अभिनय करना छोड़ दिया, जो व्यावसायिक फिल्म को एक अभिनेता के रूप में करियर बनाने के प्रयास के साथ देखे गए, जहां पर मार्च 2009 में अपनी प्रविष्टि के साथ फिल्मों को संभावित रूप से देखे गए और बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के बारे में विवाद आस्पद टिप्पणी करने के कारण मुसीबत में पड़ गए, जिसे उन्होंने अवधि के लिए आइन किया गया था तथा अभिनेता उस समय वामन द्वारा अवल, पीआर तामिराजिक द्वारा अंध, नेमार द्वारा अंध, इतियान अर्जुन काधोनी के लिए फिल्मांकन कर रहे थे और खुलासा किया वे वामल्य की अच्छा प्रदर्शन करेगा और बाकी सभी वित्तीय फिल्मों को विफल बन जाएगी। उनकी फिल्म के निर्माण यह भी खुलासा करेगी कि वे अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना नुकसानदायक बयान देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम के परिषद ने उन्हें विंकट प्रभु ने गोवा से शुरू की, जहां पर किसी भी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया था। फिल्म निर्माण सौंदर्य रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा जया के प्रतिबंध के बाहर निकाल दिया गया। उनकी अगली रिलीज फिल्म अहमद द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं द्वारा आयोजित कर लिया गया था। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी शानदार दृश्यों के साथ आयोजित कर दिया गया था, जो वामन लक्ष्मी के प्रदर्शन करेगी, बाकी सभी वित्तीय विफलताओं में बन जाएगी, जो उनकी फिल्म के निर्माण में खुलासा किया जाएगा। अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना को नुकसानदायक बनाने देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम परिषद ने उन्हें वेंकट प्रभु के गोवा के साथ शुरुआत होने वाली थी, जो किसी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले अपने लंबी कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया। फिल्म को निर्माता सौंदर्य ने रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा किया और जया के प्रतिबंधताओं के बाहर निकाल लिया। उनकी अगली फिल्म रिलीज अहमद वामन थी, जो एक्शन थिएटर थी, जिसमें प्रिया आनंद ने लक्ष्मी राय और रहमान ने अभिनय किया, जिसमें उनकी पहली फिल्म व्यावसायिक भूमिका थी, जो आलोचकों द्वारा कहा गया और तेज स्टेट द्वारा रिलीज कर दिया गया, जहां पर इनकी श्रृंखला बहुत ज़्यादा शानदार थी। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं में अपनी नींद भरी आंखों में ऐसा लगता है कि वो वास्तव में इस फिल्म के बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद ही उन्हें वेंकट प्रभु को रोमांटिक कॉमेडी गोवा के साथ देखा गया। उन्होंने वैभव रेड्डी के प्रेमगिरी कामेरियन के साथ गोवा के एक युवा यात्रा के एक ग्रामीण भूमिका निभाई। फिल्मों में जया के अस्थायी प्रतिबंध के कारण परियोजना में देरी हुई थी और उन्हें राम द्वारा अपने चरित्र चित्रण करने के
लिए पहली बार फिर से दाढ़ी के बढ़ जाते हैं, जो रिलीज के साथ फिल्म को सकारात्मक प्रचार के बावजूद इसे बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत समीक्षाओं और संग्रह मिला। वह अपने किरदार में असफल प्रतिबद्धताओं करने को पूरी तरह से अवकल पीआर तामिराजू द्वारा अलग अलग लुक में देखने के साथ देखे, जिनमें वह मुख्य भूमिकाओं में 18 वर्ष के लड़के 18वीं के साथ देखी गई, जहां पर विकास को प्रतिबद्धताओं के कारण पूरी फिल्म अवल पीआर जो तामिराजू को अलग लुक में दिखाई गई थी, जिनमें से मुख्य रूप से 18 वर्षीय लड़के व 18 वर्षीय व्यक्तियों का था। उन्होंने अगले लड़के जैसे दिखने के लिए अपना वजन कम कर लिया और उन्होंने फिल्म अपने 20वीं दशा के अंत में पारिकल्पिक व्यक्ति को दिखने के वजन से मांसपेशियों को जोड़ व आलोचक ने जया के प्रदर्शन में सराहना करते हुए कहा, वह दिखाया गया वह अच्छा अभिनेता बनने के लिए खुद को तैयार करने के लिए प्रतिक्रिया ला सकता है, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसी तरह रोमांटिक फिल्म कानी मोजिक ने उनके प्रदर्शन को बहुत ही पसंद करेगी योग्य बनाता गया और कहा गया कि वह स्वामित्व प्रदर्शन के सामने आए थे, लेकिन फिल्म को व्यावसायिक रूप विफल करती है, जो अपनी लगातार फिल्म को 5 असफल फिल्मों पर चर्चा करते और जया ने अपनी स्वीकार कर लिया, जो अपने करियर के उसी अवधि के दौरान फिल्म के स्वामित्व के साथ देखे गए तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया था, जो काफ़ी शानदार। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ लेवल टीवी श्रृंखला फिल्म के बारे में, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। और यह मूवी भारत के तमिल भाषा के अरुणा कामराज द्वारा निर्देशित के साथ मूवी को 2023 में तमिल भाषा द्वारा स्ट्रीमिंग किया, जहां पर टेलीविज़न श्रृंखलाओं द्वारा यह फिल्म को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला में मुख्य कलाकार जय तनिया होप और महेंद्रन शामिल है। इसका प्रीमियम 10 नवंबर 2023 को होना है। इसमें 10 एपिसोड शामिल है। मूवी की शैली कार्यवाहिक है और नाटक के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया। इस मूवी को अरनाच कामराज द्वारा लिखा गया तथा इसका निर्देशन अरनाच कामराज है। वहीं पर अभिनेता जया और तानिया आशा के साथ देखे गए, जहाँ पर महेंद्र को दिया गया और संगीत को सेम एस कुमार द्वारा दिया गया, जहाँ पर उद्भव देश के साथ लाया गया और भारत में तमिल भाषा के साथ मूवी को आयोजित कर दिया। रीतियों की संख्याओं द्वारा आयोजित कर दी गई और एपिसोड की संख्या 5 थी। निर्माता अजय प्रभाकर और छायाकांत दिनेश कृष्ण द्वारा दिया गया, जहाँ पर संपादक राजा मुर्गन के साथ देखी गई। रिंस की उत्पादन कंपनी मुथुआ म्यूजिकल थे, जहाँ पर पद में पागल के साथ आर्केस्ट इंटरमेंट द्वारा रिलीज किया, जहाँ पर नेटवर्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 नवंबर 2023 को रिलीज कर दिया। कहानी के नायक जया के अपनी वांछित पहचान तक पहुंचने और उसी पहचान पर काबू पाने के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे समाज में उस पर लेवल द्वारा लगा दिया गया। जय प्रभाकर के रूप में देखे गए और तानिया आशा के साथ वीरिया शेखर के साथ देखे गए। वहीं पर मूवी की श्रृंखला का निर्माण अजय प्रभाकरन द्वारा आरके इंटरमेंट के तहत मुथुआ म्यूजिकल पदम गिल के तहत किया गया था, जो इनके निजकोल को निधि रूप से देखे जाते हैं तथा फेम अरुणा राजा और कामराज की श्रृंखलाओं को निर्देशित व लेखन में छायाकांत निर्देशन के साथ कृष्णा द्वारा किया गया। संपादक राजा अरुआ मुर्गन द्वारा संगीत सेम सीएम द्वारा तैयार किया तथा तमिल में अभिनेता जया को मुख्य भूमिकाओं की ओर दी गई, जहाँ पर समिति की श्रृंखला में यह उनकी दूसरी भूमिका थी। अभिनेत्री तानिया होम ने उनके साथ मुख्य भूमिकाओं के साथ मार्च 2023 के अंत में अभिनेता महेंद्र की श्रृंखलाओं में शामिल हो गए, जहां पर सीएम द्वारा देखा गया अरुण के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया, जो इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित करते हैं तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए दृश्यों को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया था। इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही सौंदर्य के साथ लाए गए थे। गुरुवार को श्रृंखला के साथ मूवी हिंदी मलयालम मराठी बंगाली तथा कन्नाडा में हो जाएगी, जो पहला पोस्टर मूवी को 23 मार्च 2023 को जारी कर दिया जाएगा तथा इनके दृश्यों को प्रभावित किया जाएगा। और इनकी श्रृंखला बहुत ही शानदार थी और इस मूवी को
काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था। इन्होंने अपने दृश्यों के साथ योजना बनाई गई श्रृंखलाओं को जारी कर दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को एक अच्छे स्वरूपों के साथ उजागर कर ली। यह मूवी काफ़ी शानदार व मलयालम तिरुआ चिक विलम द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को आयोजित करके रखा था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में बताया गया था, जहां पर इनकी कथनांक बहुत ज़्यादा शानदार थी तथा दृश्यों को आयोजित करके बताया गया जो बाहरी संदर्भ के साथ संबंधों को देखते हैं तथा इस मूवी में लेवल निस्तरीन द्वारा देखे गए, जिसमें तानिया होप को देखा गया। बताया जाता है तानिया होप जो एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, कनाडा, तेलुगु फिल्मों में काम करती है। इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया तथा इनके मॉडलिंग करियर कोलकाता 2015 में बनी, जो फैमिल रूप से देखी जाती है और तेलुगी अल्टपोल्ट द्वारा देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को तेलुगु अल्टपोल्ट ओकाडुवेल द्वारा डेब्यू किया तथा इन्होंने पदार्पण के साथ लाए गए, जहां पर तानिया के होम के जन्मदिन के साथ प्लान करने लगा और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया। पूर्व व्यवसायी को वह बेंगलुरु के सेक्रेड हाइल्ड गलर्स द्वारा देखा जाएगा, जो इन्होंने वेस्टर मिस्ट विद्यालय द्वारा देखी गई तथा इन्होंने पुणे में टीआर ट्रेनिंगों के स्टूडियो में मॉडलिंग प्रशिक्षण में भाग लिया, जहाँ पर इन्हें अंत विद्यालय में पढ़ाई की और मॉडलिंग प्रशिक्षण के साथ एमबीपीवी फेमियल इंडिया कोलकाता का खिताब जीता। 2016 में अपलोडेड रूप से देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया, श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया गया था। इस मूवी को एक अच्छे थम द्वारा मारीज थिरुमल द्वारा नायिकाओं के साथ आयोजित कर दी थी तथा इनके दृश्यों को होम मिनिस्टर जैसी फिल्मों को निभा रही श्रीधर के व संतोष शोभना के साथ पेपर बॉयल कॉलेज द्वारा निर्धारित किया तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए श्रृंखलाओं को प्रायोगिक नज़र फिल्मोग्राफर के रूप में देखे जाते हैं तथा दृश्यों को प्रभावित करते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने फिल्मी के साथ देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। वहीं पर तानिया के साथ महेंद्र को भी देखा गया। बताया जाता है महेंद्र जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता है, जो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ आयोजित किया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिया गया, जहां पर बताया जा रहा है और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ लाकर प्रभावित हो गई थी, जहां पर देखे गए और इनके कथनांकों के साथ बनाई गई श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो महेंद्र के आजीविका द्वारा के एस रवि कुमार के नाटक मूरिक द्वारा देखा तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिए गए और इनकी कथनांक की दृष्टि बहुत ही बेहतरीन थी। इन्होंने अपने संयम के साथ योजना बनाई गई तथा कथनांकों के रूप में कहा गया, जहां पर लाई गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया था तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और मूवी को एक अच्छे सहयोग के रूप में देखे गए, जहां पर बताया गया, जहां पर कथनांकों के साथ आयोजित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी शुरुआत थाईलैंड के साथ कर दी थी, जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ जारी कर दिया गया, जहां पर बताए गए यूनिवर्सिटी के श्रृंखलाओं को जारी कर दी थी तथा इन्होंने यह फिल्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा लघु उद्योग उत्तरीक पर आधारित मूवी थी, जो इनके साथ महेंद्र चरित्र चित्रण के साथ देखे गए, जहां पर थापियाज द्वारा लाया गया तथा इन्होंने अपने फिल्मी ग्राफर को महत्वपूर्ण भूमिकाओं के जरिए
जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिया था। इन्होंने अपने साथ लाई गई श्रृंखलाओं से जोड़ा गया तथा इन्होंने अपने स्वरूपों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा इनके दृश्य बहुत ज़्यादा शानदार थे और इनके कथनांक को भी लाकर प्रभावित हो गई थी। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर करके बताई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया, जहां पर समीक्षाओं फिल्मोग्राफर द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने साथ मूवी को जया के साथ देखा गया। बताया जाता है जया संपत जो इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिए गए थे। इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया। तमिल के प्रसिद्ध संगीतकार देवी के भतीजे श्रीकांत देवा जो चचेरे भाई के साथ लाया गया था और इन्होंने अपने साथ चेन्नई में पोस्ट कर दिया, जहां पर मूवी को एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इनके सहयोग के साथ देखा जाएगा तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर भी कर देगा, जो इनके भतीजन के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में निभाई गई, जो सफलता के ओडियन द्वारा दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं पर आयोजित कर लिया था। वहीं पर इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया था तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और एक बड़ी सफलता के साथ रहस्यमय अभिनय सराहना मिली, जो इन्हें व्यावसायिक रूप से जया के भिन्न भूमिकाओं में अधिक देर तक दिया गया, जो इन्होंने प्रशांता के साथ मिली जिसमें गोवा में छुट्टियां मना रहे थे और ग्रामीण एगोलिथिक एपोल थीम द्वारा डरपोक फैक्ट्री के साथ कर्मचारी रोमांस ड्रामा के साथ राजा रानी में एक ग्राहक देखभाल कार्यकारी शामिल था। उनका बड़ा सबसे बेटा विज्ञापन बन गया, जो सफल फिल्मों को उन्हें गायक के रूप में अपनी शुरुआत व जागुर डाइक रूप से देखे गए, जो उनकी शुरुआत में जीवन संगीतकार के रूप में परिवारों में जन्मे, जो जया ने कहा और संगीत ने उनके दिल के करीब था। उसने कभी बदलने व बढ़ने के वर्षों के साथ उन्हें प्रभावित किया गया, जो विशेष रूप से अपने चचा संगीतकार देवी को श्रीदेया द्वारा दिया गया, जहां पर अपनी स्कूली शिक्षा लेमोल स्कूल वायस द्वारा देखे गए, जो चेन्नई को पूरी तरह से उन्होंने टीटोन कॉलेज में लंदन की बोर्ड में पाँचवीं कक्षा को पूरी की और कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मों के संगीत रचनात्मक में शामिल को पसंद करेगी। उन्हें खुद को युवा शंकर राजा को काम को बहुत बड़ा प्रशंसक बताया, जो इनके साथ संगीत में काम को आगे निकालने के लिए देखा गया और आनंद वेंकटेश ने एक साथ साक्षात्कार उन्हें इस्लामा अपनाने की अफवाह को पुष्टि की। वे 7 वर्षों के इस्लाम द्वारा अभ्यास कर रहे थे, जो भविष्यवाणी में बदलने के साथ सीक्वेंस को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को उजागर कर लिया। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिए गए तथा इन्होंने अपनी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया, जो इनके साथ बताया जाता है तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ प्रभावित भी कर ली। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ उजागर किया गया था और इनकी श्रृंखला बहुत बेहतरीन ढंग से प्रभावित हो गई थी, जो इनके सहयोग के साथ बनाया गया था और इनकी कथनांकों के जरिए जारी कर दिए गए थे। वहीं पर इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लगाई गई श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया और इन्होंने अपने अभिनय करियर के साथ जया ने 18 साल की उम्र में 2002 के भावती के साथ विजय के छोटे भाई के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत, निर्देशन वेंकटेश के साथ जया को विजया के समान दिखने करना चुना लिया, जो TS का रीमेक और मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को पूरी होने के बावजूद रिलीज नहीं हुई। काम करने के
बाद उम्मीद किया, लेकिन कोई भी फिल्म बन पाई जो उनके पास कल्लाइक द्वारा और वेन थाइक द्वारा कांडिंग में भूमिका सहित कई अन्य प्रस्ताव को आए, लेकिन यह जया को इस बात पर जोर दे रहे थे तो वह इस आधार पर चुने जाने के बजाय फिल्मों ने अपना स्थान के साथ अर्जित कर लिया। संगीत देवा के भतीजे को अर्जित करते हुए देखा गया तथा वह अपने अर्जित संगीतकारों द्वारा देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने देवी द्वारा उन्हें बिहार बोर्ड के साथ अपने दोस्तों गायकों युवेंद्र द्वारा जया को गोली क्रिकेट पर आधारित वेंकटेश ने प्रभु के निर्देशन में बनी पहली फिल्म चेन्नई को 6028 के साथ देखे, जहां पर यह भूमिका ऑडियन देने दिया गया और सिफारिश के साथ वह 11 मुख्य भूमिकाओं को ऑडियो देने वाले एकमात्र अभिनेता थे। फिल्म के लिए अंतिम चयन। फिल्म की सफलता के बाद वेंकटेश ने प्रभु के साथ जुड़ाव शुरू किया और जया को बार बार प्रमुख का केमियों की भूमिकाओं के मध्य में प्रभु के उद्यम में सहयोग की। इसके बाद वह नवद्वितीया को निर्देशन शशि कुमार ने उन्हें सुब्रापुरम द्वारा एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया। जब उन्हें देवा के आवास पर देखा तो जया ने स्क्रिप्ट सुनी और बिना किसी आधार पर फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। सुने बिना किसी आधार पर फिल्म को साइन कर लिए गए और निर्देशन में आमिर द्वारा निर्मित किया जाना था। 1980 के दशक में माधुरिक द्वारा गांव पर आधारित फिल्म जो प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि का हिंसक घटनाओं पर श्रृंखलाओं के साथ कहानी बताते हैं और इस परियोजना के लिए 1980 के दशक में लुक के प्रतिबंधित करने के लिए जया को लंबे दाढ़ी बढ़ा ली, जो उन्होंने आलोचक द्वारा फिल्मों को जया के अभिनय की सराहना की और समीक्षाओं द्वारा कहा जो रोमांटिक किलर के रूप में जया के लोगों को पसंद आएगी, वह भूमिकाओं को जीवित करता रहा। अपनी लंबी दाढ़ी के कारण वेंकट ने प्रभु की फिल्म सरोजनी की भूमिका ने खुद को समर्थन पाने के बाद उन्होंने ऐसे दृश्य की योजना बनाने में मदद की जिसमें उनकी पहली फिल्मों की कई अभिनेता के कैमियो की उपस्थिति होगी। बाद में जया ऑफ द बीट फिल्मों का अभिनय करना छोड़ दिया, जो व्यावसायिक फिल्म को एक अभिनेता के रूप में करियर बनाने के प्रयास के साथ देखे गए, जहां पर मार्च 2009 में अपनी प्रविष्टि के साथ फिल्मों को संभावित रूप से देखे गए और बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के बारे में विवाद आस्पद टिप्पणी करने के कारण मुसीबत में पड़ गए, जिसे उन्होंने अवधि के लिए आइन किया गया था तथा अभिनेता उस समय वामन द्वारा अवल, पीआर तामिराजिक द्वारा अंध, नेमार द्वारा अंध, इतियान अर्जुन काधोनी के लिए फिल्मांकन कर रहे थे और खुलासा किया वे वामल्य की अच्छा प्रदर्शन करेगा और बाकी सभी वित्तीय फिल्मों को विफल बन जाएगी। उनकी फिल्म के निर्माण यह भी खुलासा करेगी कि वे अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना नुकसानदायक बयान देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम के परिषद ने उन्हें विंकट प्रभु ने गोवा से शुरू की, जहां पर किसी भी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया था। फिल्म निर्माण सौंदर्य रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा जया के प्रतिबंध के बाहर निकाल दिया गया। उनकी अगली रिलीज फिल्म अहमद द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं द्वारा आयोजित कर लिया गया था। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी शानदार दृश्यों के साथ आयोजित कर दिया गया था, जो वामन लक्ष्मी के प्रदर्शन करेगी, बाकी सभी वित्तीय विफलताओं में बन जाएगी, जो उनकी फिल्म के निर्माण में खुलासा किया जाएगा। अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना को नुकसानदायक बनाने देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम परिषद ने उन्हें वेंकट प्रभु के गोवा के साथ शुरुआत होने वाली थी, जो किसी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले अपने लंबी कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया। फिल्म को निर्माता सौंदर्य ने रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा किया और जया के प्रतिबंधताओं के बाहर निकाल लिया। उनकी अगली फिल्म रिलीज अहमद वामन थी, जो एक्शन थिएटर थी, जिसमें प्रिया आनंद ने लक्ष्मी राय और रहमान ने अभिनय किया, जिसमें उनकी पहली फिल्म व्यावसायिक भूमिका थी, जो आलोचकों द्वारा कहा गया और तेज स्टेट द्वारा रिलीज कर दिया गया, जहां पर इनकी श्रृंखला बहुत ज़्यादा शानदार थी।
वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं में अपनी नींद भरी आंखों में ऐसा लगता है कि वो वास्तव में इस फिल्म के बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद ही उन्हें वेंकट प्रभु को रोमांटिक कॉमेडी गोवा के साथ देखा गया। उन्होंने वैभव रेड्डी के प्रेमगिरी कामेरियन के साथ गोवा के एक युवा यात्रा के एक ग्रामीण भूमिका निभाई। फिल्मों में जया के अस्थायी प्रतिबंध के कारण परियोजना में देरी हुई थी और उन्हें राम द्वारा अपने चरित्र चित्रण करने के लिए पहली बार फिर से दाढ़ी के बढ़ जाते हैं, जो रिलीज के साथ फिल्म को सकारात्मक प्रचार के बावजूद इसे बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत समीक्षाओं और संग्रह मिला। वह अपने किरदार में असफल प्रतिबद्धताओं करने को पूरी तरह से अवकल पीआर तामी राजू द्वारा अलग अलग लुक में देखने के साथ देखे, जिनमें वह मुख्य भूमिकाओं में 18 वर्ष के लड़के 18वीं के साथ देखी गई, जहाँ पर विकास को प्रतिबद्धताओं के कारण पूरी फिल्म अवल पीआर जो तामी राजू को अलग लुक में दिखाई गई थी, जिनमें से मुख्य रूप से 18 वर्ष लड़के व 18 वर्षीय व्यक्तियों का था। उन्होंने अगले लड़के जैसे दिखने के लिए अपना वजन कम कर लिया और उन्होंने फिल्म अपने 20वीं दशा के अंत में पारिकल्पिक व्यक्ति को दिखने के वजन से मांसपेशियों को जोड़ व आलोचक ने जया के प्रदर्शन में सराहना करते हुए कहा, वह दिखाया गया वह अच्छा अभिनेता बनने के लिए खुद को तैयार करने के लिए प्रतिक्रिया ला सकता है, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसी तरह रोमांटिक फिल्म कानी मोजिक ने उनके प्रदर्शन को बहुत ही पसंद करेगी योग्य बनाता गया और कहा गया कि वह स्वामित्व प्रदर्शन के सामने आए थे, लेकिन फिल्म को व्यावसायिक रूप विफल करती है, जो अपनी लगातार फिल्म को 5 असफल फिल्मों पर चर्चा करते और जया ने अपनी स्वीकार कर लिया, जो अपने करियर के उसी अवधि के दौरान फिल्म के स्वामित्व के साथ देखे गए तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया था, जो काफ़ी शानदार। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ लेवल टीवी श्रृंखला फिल्म के बारे में, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया और यह मूवी भारत के तमिल भाषा के अरुणा कामराज द्वारा निर्देशित के साथ मूवी को 2023 में तमिल भाषा द्वारा स्ट्रीमिंग किया, जहां पर टेलीविज़न श्रृंखलाओं द्वारा यह फिल्म को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला में मुख्य कलाकार जय तनिया होप और महेंद्रन शामिल है। इसका प्रीमियम 10 नवंबर 2023 को होना है। इसमें 10 एपिसोड शामिल है। मूवी की शैली कार्यवाहिक है और नाटक के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया। इस मूवी को अरनाज कामराज द्वारा लिखा गया तथा इसका निर्देशन अरनाज कामराज है। वहीं पर अभिनेता जया और तानिया आशा के साथ देखे गए, जहां पर महेंद्र को दिया गया और संगीत को सेम एस कुमार द्वारा दिया गया, जहां पर उद्भव देश के साथ लाया गया और भारत में तमिल भाषा के साथ मूवी को आयोजित कर दिया। रीतियों की संख्याओं द्वारा आयोजित कर दी गई और एपिसोड की संख्या 5 थी। निर्माता अजय प्रभाकर और छायाकांत दिनेश कृष्ण द्वारा दिया गया, जहां पर संपादक राजा मुर्गन के साथ देखी गई और इनकी उत्पादन कंपनी मुथुआ म्यूजिकल थे, जहां पर पद में पागल के साथ आर्केस्ट इंटरमेंट द्वारा रिलीज किया, जहां पर नेटवर्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 नवंबर 2023 को रिलीज कर दिया। कहानी के नायक जया के अपनी वांछित पहचान तक पहुंचने और उसी पहचान पर काबू पाने के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे समाज में उस पर लेवल द्वारा लगा दिया गया। जय प्रभाकर के रूप में देखे गए और तानिया आशा के साथ वीरिया शेखर के साथ देखे गए। वहीं पर मूवी की श्रृंखला का निर्माण अजय प्रभाकरन द्वारा आरके इंटरमेंट के तहत मुथुआ म्यूजिकल पदम गिल के तहत किया गया था, जो इनके निजकुल को निधि रूप से देखे जाते हैं तथा फेम अरुणा राजा और कामराज की श्रृंखलाओं को निर्देशित व लेखन में छायाकांत निर्देशन के साथ कृष्णा द्वारा किया गया। संपादक राजा अरुआ मुर्गन द्वारा संगीत सेम सीएम द्वारा तैयार किया तथा तमिल में अभिनेता जया को मुख्य भूमिकाओं की ओर दी गई, जहाँ पर समिति की श्रृंखला में यह उनकी दूसरी भूमिका थी। अभिनेत्री तानिया होम ने उनके साथ मुख्य भूमिकाओं के साथ मार्च 2023 के अंत में अभिनेता महेंद्र की श्रृंखलाओं में शामिल हो गए, जहां पर सीएम द्वारा देखा गया अरुण के साथ मूवी को काफ़ी
बेहतरीन रिस्पांस दिया गया जो इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित करते हैं तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए दृश्यों को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया था। इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया गया तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही सौंदर्य के साथ लाए गए थे। गुरुवार को श्रृंखला के साथ मूवी हिंदी मलयालम मराठी बंगाली तथा कन्नाडा में हो जाएगी। जो पहला पोस्टर मूवी को 23 मार्च 2023 को जारी कर दिया जाएगा तथा इनके दृश्यों को प्रभावित किया जाएगा और इनकी श्रृंखला बहुत ही शानदार थी और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस के साथ जारी कर दिया गया था। इन्होंने अपने दृश्यों के साथ योजना बनाई गई श्रृंखलाओं को जारी कर दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को एक अच्छे स्वरूपों के साथ उजागर कर ली। यह मूवी काफ़ी शानदार व मलयालम तिरुआ चिक विलम द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को आयोजित करके रखा था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में बताया गया था जहां पर इनकी कथनांक बहुत ज़्यादा शानदार थी तथा दृश्यों को आयोजित करके बताया गया जो बाहरी संदर्भ के साथ संबंधों को देखते हैं तथा इस मूवी में लेवल निस्तद्रीम द्वारा देखे गए जिसमें तानिया होप को देखा गया। बताया जाता है तानिया होप जो एक भारतीय अभिनेत्री मॉडल कनाडा तेलुगु फिल्मों में काम करती है। इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया तथा इनके मॉडलिंग करियर कोलकाता 2015 में बनी जो फैमिल रूप से देखी जाती है और तेलुगी अल्टपोल्ट द्वारा देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को तेलुगु अल्टपोल्ट ओकाडुवेल द्वारा डेब्यू किया तथा इन्होंने पदार्पण के साथ लाए गए जहां पर तानिया के होम के जन्मदिन के साथ प्लान करने लगा और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया। पूर्व व्यवसायी को वह बेंगलुरु के सेक्रेड हाइल्ड गलर्स द्वारा देखा जाएगा जो इन्होंने वेस्टर मिस्ट विद्यालय द्वारा देखी गई तथा इन्होंने पुणे में टीआर ट्रेनिंगों के स्टूडियो में मॉडलिंग प्रशिक्षण में भाग लिया जहाँ पर इन्हें अंत विद्यालय में पढ़ाई की और मॉडलिंग प्रशिक्षण के साथ एमबीपीवी फेमियल इंडिया कोलकाता का खिताब जीता। 2016 में अपलोडेड रूप से देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया गया था। इस मूवी को एक अच्छे थम द्वारा मारीज थिरुमल द्वारा नायिकाओं के साथ आयोजित कर दी थी तथा इनके दृश्यों को होम मिनिस्टर जैसी फिल्मों को निभा रही श्रीधर के व संतोष शोभना के साथ पेपर बॉयल कॉलेज द्वारा निर्धारित किया तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए श्रृंखलाओं को प्रायोगिक नज़र फिल्मोग्राफर के रूप में देखे जाते हैं तथा दृश्यों को प्रभावित करते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने फिल्मी के साथ देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। वहीं पर तानिया के साथ महेंद्र को भी देखा गया। बताया जाता है महेंद्र जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ आयोजित किया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिया गया जहां पर बताया जा रहा है और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस के साथ लाकर प्रभावित हो गई थी जहां पर देखे गए और इनके कथनांकों के साथ बनाई गई श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो महेंद्र के आजीविका द्वारा के एस रवि कुमार के नाटक मूरी द्वारा देखा तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिए गए और इनकी कथनांक की दृष्टि बहुत ही बेहतरीन थी। इन्होंने अपने संयम के साथ योजना बनाई गई तथा कथनांकों के रूप में कहा गया जहां पर लाई गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन
रिस्पॉन्स रेटिंग दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया था तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और मूवी को एक अच्छे सहयोग के रूप में देखे गए। जहां पर बताया गया जहां पर कथनांकों के साथ आयोजित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी शुरुआत थाईलैंड के साथ कर दी थी जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ जारी कर दिया गया जहां पर बताए गए यूनिवर्सिटी के श्रृंखलाओं को जारी कर दी थी तथा इन्होंने यह फिल्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा लघु उद्योग उत्तरीक पर आधारित मूवी थी जो इनके साथ महेंद्र चरित्र चित्रण के साथ देखे गए जहां पर थापियाज द्वारा लाया गया तथा इन्होंने अपने फिल्मी ग्राफर को महत्वपूर्ण भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिया था। इन्होंने अपने साथ लाई गई श्रृंखलाओं से जोड़ा गया तथा इन्होंने अपने स्वरूपों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा इनके दृश्य बहुत ज़्यादा शानदार थे और इनके कथनांक को भी लाकर प्रभावित हो गई थी। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर करके बताई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया जहां पर समीक्षाओं फिल्मोग्राफर द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने साथ मूवी को जया के साथ देखा गया। बताया जाता है जया संपत जो इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिए गए थे। इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया। तमिल के प्रसिद्ध संगीतकार देवी के भतीजे श्रीकांत देवा जो चचेरे भाई के साथ लाया गया था और इन्होंने अपने साथ चेन्नई में पोस्ट कर दिया जहां पर मूवी को एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा और इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इनके सहयोग के साथ देखा जाएगा तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर भी कर देगा जो इनके भतीजन के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में निभाई गई जो सफलता के ओडियन द्वारा दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं पर आयोजित कर लिया था। वहीं पर इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया था तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और एक बड़ी सफलता के साथ रहस्यमय अभिनय सराहना मिली जो इन्हें व्यावसायिक रूप से जया के भिन्न भूमिकाओं में अधिक देर तक दिया गया जो इन्होंने प्रशांता के साथ मिली जिसमें गोवा में छुट्टियां मना रहे थे और ग्रामीण एगोलिथिक एपोल थीम द्वारा डरपोक फैक्ट्री के साथ कर्मचारी रोमांस ड्रामा के साथ राजा रानी में एक ग्राहक देखभाल कार्यकारी शामिल था। उनका बड़ा सबसे बेटा विज्ञापन बन गया जो सफल फिल्मों को उन्हें गायक के रूप में अपनी शुरुआत व जागुर डाइक रूप से देखे गए जो उनकी शुरुआत में जीवन संगीतकार के रूप में परिवारों में जन्मे जो जया ने कहा और संगीत ने उनके दिल के करीब था। उसने कभी बदलने व बढ़ने के वर्षों के साथ उन्हें प्रभावित किया गया जो विशेष रूप से अपने चचा संगीतकार देवी को श्रीदेया द्वारा दिया गया जहां पर अपनी स्कूली शिक्षा लेमोल स्कूल वायस द्वारा देखे गए जो चेन्नई को पूरी तरह से उन्होंने टीटोन कॉलेज में लंदन की बोर्ड में पाँचवीं कक्षा को पूरी की और कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मों के संगीत रचनात्मक में शामिल को पसंद करेगी। उन्हें खुद को युवा शंकर राजा को काम को बहुत बड़ा प्रशंसक बताया जो इनके साथ संगीत में काम को आगे निकालने के लिए देखा गया और आनंद वेंकटेश ने एक साथ साक्षात्कार उन्हें इस्लामा अपनाने की अफवाह को पुष्टि की। वे 7 वर्षों के इस्लाम द्वारा अभ्यास कर रहे थे जो भविष्यवाणी में बदलने के साथ सीक्वेंस को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को उजागर कर लिया। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिए गए तथा इन्होंने अपनी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया जो इनके साथ बताया जाता है तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ प्रभावित भी कर ली। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ उजागर
किया गया था और इनकी श्रृंखला बहुत बेहतरीन ढंग से प्रभावित हो गई थी, जो इनके सहयोग के साथ बनाया गया था और इनकी कथनांकों के जरिए जारी कर दिए गए थे। वहीं पर इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लगाई गई श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया और इन्होंने अपने अभिनय करियर के साथ जया ने 18 साल की उम्र में 2002 के भावती के साथ विजय के छोटे भाई के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत निर्देशन वेंकटेश के साथ जया को विजया के समान दिखने करना चुना लिया, जो TS का रीमेक और मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन फिल्म को पूरी होने के बावजूद रिलीज नहीं हुई। काम करने के बाद उम्मीद किया लेकिन कोई भी फिल्म बन पाई जो उनके पास कलाइक द्वारा और वेन थाइक द्वारा कांडिंग में भूमिका सहित कई अन्य प्रस्ताव को आए, लेकिन यह जया को इस बात पर जोर दे रहे थे तो वह इस आधार पर चुने जाने के बजाय फिल्मों ने अपना स्थान के साथ अर्जित कर लिया। संगीत देवा के भतीजे को अर्जित करते हुए देखा गया तथा वह अपने अर्जित संगीतकारों द्वारा देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने देवी द्वारा उन्हें BR बोर्ड के साथ अपने दोस्तों गायकों युवेंद्र द्वारा जया को गोली क्रिकेट पर आधारित वेंकटेश ने प्रभु के निर्देशन में बनी पहली फिल्म चेन्नई को 6/28 के साथ देखे, जहां पर यह भूमिका ऑडियन देने दिया गया और सिफारिश के साथ वह 11 मुख्य भूमिकाओं को ऑडियो देने वाले एकमात्र अभिनेता थे। फिल्म के लिए अंतिम चयन फिल्म की सफलता के बाद वेंकटेश ने प्रभु के साथ जुड़ाव शुरू किया और जया को बार प्रमुख का केमियों की भूमिकाओं के मध्य में प्रभु के उद्यगम में सहयोग की। इसके बाद वह नवद्वितीया को निर्देशन शशि कुमार ने उन्हें सुब्रापुरम द्वारा एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया। जब उन्हें देवा के आवास पर देखा तो जया ने स्क्रिप्ट सुनी और बिना किसी आधार पर फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। सुने बिना किसी आधार पर फिल्म को साइन कर लिए गए और निर्देशन में आमिर द्वारा निर्मित किया जाना था। 1980 के दशक में माधुरिक द्वारा गांव पर आधारित फिल्म जो प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि का हिंसक घटनाओं पर श्रृंखलाओं के साथ कहानी बताते हैं और इस परियोजना के लिए 1980 के दशक में लुक के प्रतिबंधित करने के लिए जया को लंबे दाढ़ी बढ़ा ली, जो उन्होंने आलोचक द्वारा फिल्मों को जया के अभिनय की सराहना की और समीक्षाओं द्वारा कहा जो रोमांटिक किलर के रूप में जया के लोगों को पसंद आएगी, वह भूमिकाओं को जीवित करता रहा। अपनी लंबी दाढ़ी के कारण वेंकटेश ने प्रभु की फिल्म सरोजनी की भूमिका ने खुद को समर्थन पाने के बाद उन्होंने ऐसे दृश्य की योजना बनाने में मदद की जिसमें उनकी पहली फिल्मों की कई अभिनेता के कैमियो की उपस्थिति होगी। बाद में जया ऑफ द बीट फिल्मों का अभिनय करना छोड़ दिया, जो व्यावसायिक फिल्म को एक अभिनेता के रूप में करियर बनाने के प्रयास के साथ देखे गए, जहां पर मार्च 2009 में अपनी प्रविष्टि के साथ फिल्मों को संभावित रूप से देखे गए और बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के बारे में विवाद आस्पद टिप्पणी करने के कारण मुसीबत में पड़ गए, जिसे उन्होंने अवधि के लिए आइन किया गया था तथा अभिनेता उस समय वामन द्वारा अवल, PR तामिराजिक द्वारा अंध, नेमार द्वारा अंध, इतियान अर्जुन काधोनी के लिए फिल्मांकन कर रहे थे और खुलासा किया वे वामल्य की अच्छा प्रदर्शन करेगा और बाकी सभी वित्तीय फिल्मों को विफल बन जाएगी। उनकी फिल्म के निर्माण यह भी खुलासा करेगी कि वे अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना नुकसानदायक बयान देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम के परिषद ने उन्हें विंकटेश प्रभु ने गोवा से शुरू की, जहां पर किसी भी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया था। फिल्म निर्माण सौंदर्य रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा जया के प्रतिबंध के बाहर निकाल दिया गया। उनकी अगली रिलीज फिल्म अहमद द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं द्वारा आयोजित कर लिया गया था। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी शानदार दृश्यों के साथ आयोजित कर दिया गया था, जो वामन लक्ष्मी के प्रदर्शन करेगी, बाकी सभी वित्तीय विफलताओं में बन जाएगी, जो उनकी फिल्म के निर्माण में खुलासा किया जाएगा। अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना को नुकसानदायक बनाने देने के लिए
जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रारंभ में नादिमग्रिम संगम परिषद ने उन्हें वेंकट प्रभु के गोवा के साथ शुरुआत होने वाली थी, जो किसी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले अपने लंबी कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया। फिल्म को निर्माता सौंदर्य ने रजनीकांत के हस्तक्षेप द्वारा किया और जया के प्रतिबंधताओं के बाहर निकाल लिया। उनकी अगली फिल्म रिलीज अहमद वामन थी, जो एक्शन थिएटर थी, जिसमें प्रिया आनंद ने लक्ष्मी राय और रहमान ने अभिनय किया, जिसमें उनकी पहली फिल्म व्यावसायिक भूमिका थी, जो आलोचकों द्वारा कहा गया और तेज स्टेट द्वारा रिलीज कर दिया गया, जहां पर इनकी श्रृंखला बहुत ज़्यादा शानदार थी। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं में अपनी नींद भरी आंखों में ऐसा लगता है कि वो वास्तव में इस फिल्म के बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद ही उन्हें वेंकट प्रभु को रोमांटिक कॉमेडी गोवा के साथ देखा गया। उन्होंने वैभव रेड्डी के प्रेमगिरी कामेरियन के साथ गोवा के एक युवा यात्रा के एक ग्रामीण भूमिका निभाई। फिल्मों में जया के अस्थायी प्रतिबंध के कारण परियोजना में देरी हुई थी और उन्हें राम द्वारा अपने चरित्र चित्रण करने के लिए पहली बार फिर से दाढ़ी के बढ़ जाते हैं, जो रिलीज के साथ फिल्म को सकारात्मक प्रचार के बावजूद इसे बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत समीक्षाओं और संग्रह मिला। वह अपने किरदार में असफल प्रतिबद्धताओं करने को पूरी तरह से अवकल पीआर तामिराजू द्वारा अलग अलग लुक में देखने के साथ देखे, जिनमें वह मुख्य भूमिकाओं में 18 वर्ष के लड़के 18वीं के साथ देखी गई, जहाँ पर विकास को प्रतिबद्धताओं के कारण पूरी फिल्म अवल पीआर जो तामिराजू को अलग लुक में दिखाई गई थी, जिनमें से मुख्य रूप से 18 वर्ष लड़के व 18 वर्षीय व्यक्तियों का था। उन्होंने अगले लड़के जैसे दिखने के लिए अपना वजन कम कर लिया और उन्होंने फिल्म अपने बीसवा दशा के अंत में पारिकल्पिक व्यक्ति को दिखने के वजन से मांसपेशियों को जोड़ व आलोचक ने जया के प्रदर्शन में सराहना करते हुए कहा, वह दिखाया गया वह अच्छा अभिनेता बनने के लिए खुद को तैयार करने के लिए प्रतिक्रिया ला सकता है, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसी तरह रोमांटिक फिल्म कानी मोजिक ने उनके प्रदर्शन को बहुत ही पसंद करेगी योग्य बनाता गया और कहा गया कि वह स्वामित्व प्रदर्शन के सामने आए थे, लेकिन फिल्म को व्यावसायिक रूप विफल करती है, जो अपनी लगातार फिल्म को 5 असफल फिल्मों पर चर्चा करते और जया ने अपनी स्वीकार कर लिया, जो अपने करियर के उसी अवधि के दौरान फिल्म के स्वामित्व के साथ देखे गए तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया था, जो काफ़ी शानदार। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ लेवल टीवी श्रृंखला फिल्म के बारे में, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया और यह मूवी भारत के तमिल भाषा के अर्णा कामराज द्वारा निर्देशित के साथ मूवी को 2023 में तमिल भाषा द्वारा स्ट्रीमिंग किया, जहां पर टेलीविज़न श्रृंखलाओं द्वारा यह फिल्म को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला में मुख्य कलाकार जय तनिया होप और महेंद्रन शामिल है। इसका प्रीमियम 10 नवंबर 2023 को होना है। इसमें 10 एपिसोड शामिल है। मूवी की शैली कार्यवाहिक है और नाटक के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया। इस मूवी को अर्णाच कामराज द्वारा लिखा गया तथा इसका निर्देशन अर्णाच कामराज है। वहीं पर अभिनेता जया और तानिया आशा के साथ देखे गए, जहाँ पर महेंद्र को दिया गया और संगीत को सेम एस कुमार द्वारा दिया गया, जहाँ पर उद्भव देश के साथ लाया गया और भारत में तमिल भाषा के साथ मूवी को आयोजित कर दिया। रीतियों की संख्याओं द्वारा आयोजित कर दी गई और एपिसोड की संख्या 5 थी। निर्माता अजय प्रभाकर और छायाकांत दिनेश कृष्ण द्वारा दिया गया, जहां पर संपादक राजा मुर्गन के साथ देखी गई और इनकी उत्पादन कंपनी मुथुआ म्यूजिकल थे, जहां पर पद में पागल के साथ आर्केस्ट इंटरमेंट द्वारा रिलीज किया, जहां पर नेटवर्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 नवंबर 2023 को रिलीज कर दिया। कहानी के नायक जया के अपनी वांछित पहचान तक पहुंचने और उसी पहचान पर काबू पाने के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे समाज में उस पर लेवल द्वारा लगा दिया गया। जय प्रभाकर के रूप में देखे गए और तानिया आशा के साथ वीरिया शेखर के साथ देखे गए। वहीं पर मूवी की श्रृंखला का निर्माण अजय प्रभाकर द्वारा आरके इंटरमेंट के तहत मुथुआ म्यूजिकल पदम गिल के तहत किया
गया था, जो इनके निजकुल को निधि रूप से देखे जाते हैं तथा फेम अरुणा राजा और कामराज की श्रृंखलाओं को निर्दर्शित व लेखन में छायाकान निर्दर्शन के साथ कृष्णा द्वारा किया गया। संपादक राजा अरुआ मुर्गन द्वारा, संगीत सेम सीएम द्वारा तैयार किया तथा तमिल में अभिनेता जया को मुख्य भूमिकाओं की ओर दी गई, जहाँ पर सीमिति की श्रृंखला में यह उनकी दूसरी भूमिका थी। अभिनेत्री तानिया होम ने उनके साथ मुख्य भूमिकाओं के साथ मार्च 2023 के अंत में अभिनेता महेंद्र की श्रृंखलाओं में शामिल हो गए, जहां पर सीएम द्वारा देखा गया अरुण के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया, जो इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित करते हैं तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए दृश्यों को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया था। इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही सौंदर्य के साथ लाए गए थे। गुरुवार को श्रृंखला के साथ मूवी हिंदी, मलयालम, मराठी, बंगाली तथा कन्नाडा में हो जाएगी, जो पहला पोस्टर मूवी को 23 मार्च 2023 को जारी कर दिया जाएगा तथा इनके दृश्यों को प्रभावित किया जाएगा। और इनकी श्रृंखला बहुत ही शानदार थी और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था। इन्होंने अपने दृश्यों के साथ योजना बनाई गई श्रृंखलाओं को जारी कर दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को एक अच्छे स्वरूपों के साथ उजागर कर ली। यह मूवी काफ़ी शानदार व मलयालम तिरुआ चिक विलम द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को आयोजित करके रखा था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में बताया गया था, जहां पर इनकी कथनांक बहुत ज़्यादा शानदार थी तथा दृश्यों को आयोजित करके बताया गया, जो बाहरी संदर्भ के साथ संबंधों को देखते हैं तथा इस मूवी में लेवल निश्रीम द्वारा देखे गए, जिसमें तानिया होप को देखा गया। बताया जाता है तानिया होप जो एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, कनाडा, तेलुगु फिल्मों में काम करती है। इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया तथा इनके मॉडलिंग करियर कोलकाता 2015 में बनी, जो फैमिल रूप से देखी जाती है और तेलुगी अल्टपोल्ट द्वारा देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को तेलुगु अल्टपोल्ट ओकाडुवेल द्वारा डेब्यू किया तथा इन्होंने पदार्पण के साथ लाए गए, जहां पर तानिया के होम के जन्मदिन के साथ प्लान करने लगा और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया। पूर्व व्यवसायी को वह बेंगलोर के सेक्रेट हाइल्ड गलर्स द्वारा देखा जाएगा, जो इन्होंने वेस्टर मिस्ट विद्यालय द्वारा देखी गई तथा इन्होंने पुणे में टीआर ट्रेनिंगों के स्टूडियो में मॉडलिंग प्रशिक्षण में भाग लिया, जहाँ पर इन्हें अंत विद्यालय में पढ़ाई की और मॉडलिंग प्रशिक्षण के साथ एमबीपीवी फेमियल इंडिया कोलकाता का खिताब जीता। 2016 में अपलोडेड रूप से देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया, श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया गया था। इस मूवी को एक अच्छे थम द्वारा मारीज थिरुमल द्वारा नायिकाओं के साथ आयोजित कर दी थी तथा इनके दृश्यों को होम मिनिस्टर जैसी फिल्मों को निभा रही श्रीधर के व संतोष शोभना के साथ पेपर बॉयल कॉलेज द्वारा निर्धारित किया तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए श्रृंखलाओं को प्रायोगिक नज़र फिल्मोग्राफर के रूप में देखे जाते हैं तथा दृश्यों को प्रभावित करते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने फिल्मी के साथ देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। वहीं पर तानिया के साथ महेंद्र को भी देखा गया। बताया जाता है महेंद्र जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता है, जो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ आयोजित किया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिया गया, जहां पर बताया जा रहा है और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ लाकर प्रभावित हो गई थी, जहां पर देखे गए और इनके कथनांकों के साथ बनाई गई श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो महेंद्र के आजीविका द्वारा के एस रवि कुमार के नाटक मूरी द्वारा देखा तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिए गए और
इनकी कथनांक की दृष्टि बहुत ही बेहतरीन थी। इन्होंने अपने संयम के साथ योजना बनाई गई तथा कथनांकों के रूप में कहा गया जहां पर लाई गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया था तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और मूवी को एक अच्छे सहयोग के रूप में देखे गए जहां पर बताया गया जहां पर कथनांकों के साथ आयोजित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी शुरुआत थाईलैंड के साथ कर दी थी जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ जारी कर दिया गया जहां पर बताए गए यूनिवर्सिटी के श्रृंखलाओं को जारी कर दी थी तथा इन्होंने यह फिल्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा लघु उद्योग उत्तरीक पर आधारित मूवी थी जो इनके साथ महेंद्र चरित्र चित्रण के साथ देखे गए जहां पर थापियाज द्वारा लाया गया तथा इन्होंने अपने फिल्मी ग्राफर को महत्वपूर्ण भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिया था। इन्होंने अपने साथ लाई गई श्रृंखलाओं से जोड़ा गया तथा इन्होंने अपने स्वरूपों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा इनके दृश्य बहुत ज़्यादा शानदार थे और इनके कथनांक को भी लाकर प्रभावित हो गई थी। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर करके बताई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया जहां पर समीक्षाओं फिल्मोग्राफर द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने साथ मूवी को जया के साथ देखा गया। बताया जाता है जया संपत जो इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिए गए थे। इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया। तमिल के प्रसिद्ध संगीतकार देवी के भतीजे श्रीकांत देवा जो चचेरे भाई के साथ लाया गया था और इन्होंने अपने साथ चेन्नई में पोस्ट कर दिया जहां पर मूवी को एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा और इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इनके सहयोग के साथ देखा जाएगा तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर भी कर देगा जो इनके भतीजन के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में निभाई गई जो सफलता के ओडियन द्वारा दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं पर आयोजित कर लिया था। वहीं पर इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया था तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और एक बड़ी सफलता के साथ रहस्यमय अभिनय सराहना मिली जो इन्हें व्यावसायिक रूप से जया के भिन्न भूमिकाओं में अधिक देर तक दिया गया जो इन्होंने प्रशांता के साथ मिली जिसमें गोवा में छुट्टियां मना रहे थे और ग्रामीण एगोलिथिक एपोलथीम द्वारा डरपोक फैक्ट्री के साथ कर्मचारी रोमांस ड्रामा के साथ राजा रानी में एक ग्राहक देखभाल कार्यकारी शामिल था। उनका बड़ा सबसे बेटा विज्ञापन बन गया जो सफल फिल्मों को उन्हें गायक के रूप में अपनी शुरुआत व जागुर डाइक रूप से देखे गए जो उनकी शुरुआत में जीवन संगीतकार के रूप में परिवारों में जन्मे जो जया ने कहा और संगीत ने उनके दिल के करीब था। उसने कभी बदलने व बढ़ने के वर्षों के साथ उन्हें प्रभावित किया गया जो विशेष रूप से अपने चचा संगीतकार देवी को श्रीदेया द्वारा दिया गया जहां पर अपनी स्कूली शिक्षा लेमोल स्कूल वायस द्वारा देखे गए जो चेन्नई को पूरी तरह से उन्होंने टीटोन कॉलेज में लंदन की बोर्ड में पाँचवीं कक्षा को पूरी की और कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मों के संगीत रचनात्मक में शामिल को पसंद करेगी। उन्हें खुद को युवा शंकर राजा को काम को बहुत बड़ा प्रशंसक बताया जो इनके साथ संगीत में काम को आगे निकालने के लिए देखा गया और आनंद वेंकटेश ने एक साथ साक्षात्कार उन्हें इस्लामा अपनाने की अफवाह को पुष्टि की। वे 7 वर्षों के इस्लाम द्वारा अभ्यास कर रहे थे जो भविष्यवाणी में बदलने के साथ सीक्वेंस को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को उजागर कर लिया। इस मूवी को काफ़ी
बेहतरीन रिस्पांस दिया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिए गए तथा इन्होंने अपनी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया जो इनके साथ बताया जाता है तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ प्रभावित भी कर ली। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ उजागर किया गया था और इनकी श्रृंखला बहुत बेहतरीन ढंग से प्रभावित हो गई थी जो इनके सहयोग के साथ बनाया गया था और इनकी कथनांकों के जरिए जारी कर दिए गए थे। वहीं पर इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लगाई गई श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया और इन्होंने अपने अभिनय करियर के साथ जया ने 18 साल की उम्र में 2002 के बावती के साथ विजय के छोटे भाई के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत निर्देशन वेंकटेश के साथ जया को विजया के समान दिखने करना चुना लिया जो TS का रीमेक और मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार किया गया था लेकिन फिल्म को पूरी होने के बावजूद रिलीज नहीं हुई। काम करने के बाद उम्मीद किया लेकिन कोई भी फिल्म बन पाई जो उनके पास कलाइक द्वारा और वेन थाइक द्वारा कांडिंग में भूमिका सहित कई अन्य प्रस्ताव को आए लेकिन यह जया को इस बात पर जोर दे रहे थे तो वह इस आधार पर चुने जाने के बजाय फिल्मों ने अपना स्थान के साथ अर्जित कर लिया। संगीत देवा के भतीजे को अर्जित करते हुए देखा गया तथा वह अपने अर्जित संगीतकारों द्वारा देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने देवी द्वारा उन्हें BR बोर्ड के साथ अपने दोस्तों गायकों युवेंद्र द्वारा जया को गोली क्रिकेट पर आधारित वेंकटेश ने प्रभु के निर्देशन में बनी पहली फिल्म चेन्नई को 6028 के साथ देखे जहां पर यह भूमिका ऑडियन देने दिया गया और सिफारिश के साथ वह 11 मुख्य भूमिकाओं को ऑडियो देने वाले एकमात्र अभिनेता थे। फिल्म के लिए अंतिम चयन फिल्म की सफलता के बाद वेंकटेश ने प्रभु के साथ जुड़ाव शुरू किया और जया को बार बार प्रमुख का केमियों की भूमिकाओं के मध्य में प्रभु के उद्यगम में सहयोग की। इसके बाद वह नवद्वितीया को निर्देशन शशि कुमार ने उन्हें सुब्रापुरम द्वारा एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया। जब उन्हें देवा के आवास पर देखा तो जया ने स्क्रिप्ट सुनी और बिना किसी आधार पर फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। सुने बिना किसी आधार पर फिल्म को साइन कर लिए गए और निर्देशन में आमिर द्वारा निर्मित किया जाना था। 1980 के दशक में माधुरी द्वारा गांव पर आधारित फिल्म जो प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि का हिंसक घटनाओं पर श्रृंखलाओं के साथ कहानी बताते हैं और इस परियोजना के लिए 1980 के दशक में लुक के प्रतिबंधित करने के लिए जया को लंबे दाढ़ी बढ़ा ली जो उन्होंने आलोचक द्वारा फिल्मों को जया के अभिनय की सराहना की और समीक्षाओं द्वारा कहा जो रोमांटिक किलर के रूप में जया के लोगों को पसंद आएगी वह भूमिकाओं को जीवित करता रहा। अपनी लंबी दाढ़ी के कारण वेंकटेश ने प्रभु की फिल्म सरोजनी की भूमिका ने खुद को समर्थन पाने के बाद उन्होंने ऐसे दृश्य की योजना बनाने में मदद की जिसमें उनकी पहली फिल्मों की कई अभिनेता के कैमियो की उपस्थिति होगी। बाद में जया ऑफ द बीट फिल्मों का अभिनय करना छोड़ दिया जो व्यावसायिक फिल्म को एक अभिनेता के रूप में करियर बनाने के प्रयास के साथ देखे गए जहां पर मार्च 2009 में अपनी प्रविष्टि के साथ फिल्मों को संभावित रूप से देखे गए और बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के बारे में विवाद आस्पद टिप्पणी करने के कारण मुसीबत में पड़ गए जिसे उन्होंने अवधि के लिए आइन किया गया था तथा अभिनेता उस समय वामन द्वारा अवल PR तामिराजिक द्वारा अंध नेमार द्वारा अंध इतियान अर्जुन कादोनी के लिए फिल्मांकन कर रहे थे और खुलासा किया वे वामल्य की अच्छा प्रदर्शन करेगा और बाकी सभी वित्तीय फिल्मों को विफल बन जाएगी। उनकी फिल्म के निर्माण यह भी खुलासा करेगी कि वे अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना नुकसानदायक बयान देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम के परिषद ने उन्हें विंकटेश प्रभु ने गोवा से शुरू की जहां पर किसी भी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया था। फिल्म निर्माण सौंदर्य रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा जया के
प्रतिबंध के बाहर निकाल दिया गया। उनकी अगली रिलीज फिल्म अहमद द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं द्वारा आयोजित कर लिया गया था। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी शानदार दृश्यों के साथ आयोजित कर दिया गया था जो वामन लक्ष्मी के प्रदर्शन करेगी, बाकी सभी वित्तीय विफलताओं में बन जाएगी जो उनकी फिल्म के निर्माण में खुलासा किया जाएगा। अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना को नुकसानदायक बनाने देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रारंभ में नादिमग्रिम संगम परिषद ने उन्हें वेंकट प्रभु के गोवा के साथ शुरुआत होने वाली थी जो किसी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले अपने लंबी कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया। फिल्म को निर्माता सौंदर्य ने रजनीकांत के हस्तक्षेप द्वारा किया और जया के प्रतिबंधताओं के बाहर निकाल लिया। उनकी अगली फिल्म रिलीज अहमद वामन थी जो एक्शन थिएटर थी जिसमें प्रिया आनंद ने लक्ष्मी राय और रहमान ने अभिनय किया, जिसमें उनकी पहली फिल्म व्यावसायिक भूमिका थी जो आलोचकों द्वारा कहा गया और तेज स्टेट द्वारा रिलीज कर दिया गया जहां पर इनकी श्रृंखला बहुत ज़्यादा शानदार थी। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं में अपनी नींद भरी आंखों में ऐसा लगता है कि वो वास्तव में इस फिल्म के बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद ही उन्हें वेंकट प्रभु को रोमांटिक कॉमेडी गोवा के साथ देखा गया। उन्होंने वैभव रेड्डी के प्रेमगिरी कामेरियन के साथ गोवा के एक युवा यात्रा के एक ग्रामीण भूमिका निभाई। फिल्मों में जया के अस्थायी प्रतिबंध के कारण परियोजना में देरी हुई थी और उन्हें राम द्वारा अपने चरित्र चित्रण करने के लिए पहली बार फिर से दाढ़ी के बढ़ जाते हैं, जो रिलीज के साथ फिल्म को सकारात्मक प्रचार के बावजूद इसे बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत समीक्षाओं और संग्रह मिला। वह अपने किरदार में असफल प्रतिबद्धताओं करने को पूरी तरह से अवकल पीआर तामिराजू द्वारा अलग अलग लुक में देखने के साथ देखे, जिनमें वह मुख्य भूमिकाओं में 18 वर्ष के लड़के 18वीं के साथ देखी गई, जहाँ पर विकास को प्रतिबद्धताओं के कारण पूरी फिल्म अवल पीआर जो तामिराजू को अलग लुक में दिखाई गई थी, जिनमें से मुख्य रूप से 18 वर्ष लड़के व 18 वर्षीय व्यक्तियों का था। उन्होंने अगले लड़के जैसे दिखने के लिए अपना वजन कम कर लिया और उन्होंने फिल्म अपने 20वीं दशा के अंत में पारिकल्पिक व्यक्ति को दिखने के वजन से मांसपेशियों को जोड़ व आलोचक ने जया के प्रदर्शन में सराहना करते हुए कहा, वह दिखाया गया वह अच्छा अभिनेता बनने के लिए खुद को तैयार करने के लिए प्रतिक्रिया ला सकता है, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसी तरह रोमांटिक फिल्म कानी मोजिक ने उनके प्रदर्शन को बहुत ही पसंद करेगी योग्य बनाता गया और कहा गया कि वह स्वामित्व प्रदर्शन के सामने आए थे, लेकिन फिल्म को व्यावसायिक रूप विफल करती है जो अपनी लगातार फिल्म को 5 असफल फिल्मों पर चर्चा करते और जया ने अपनी स्वीकार कर लिया जो अपने करियर के उसी अवधि के दौरान फिल्म के स्वामित्व के साथ देखे गए तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया था जो काफ़ी शानदार। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ लेवल टीवी श्रृंखला फिल्म के बारे में जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया और यह मूवी भारत के तमिल भाषा के अर्णा कामराज द्वारा निर्देशित के साथ मूवी को 2023 में तमिल भाषा द्वारा स्ट्रीमिंग किया, जहां पर टेलीविजन श्रृंखलाओं द्वारा यह फिल्म को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला में मुख्य कलाकार जय तनिया होप और महेंद्रन शामिल है। इसका प्रीमियम 10 नवंबर 2023 को होना है। इसमें 10 एपिसोड शामिल है। मूवी की शैली कार्यवाहिक है और नाटक के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया। इस मूवी को अर्णाच कामराज द्वारा लिखा गया तथा इसका निर्देशन अर्णाच कामराज है। वहीं पर अभिनेता जया और तानिया आशा के साथ देखे गए, जहां पर महेंद्र को दिया गया और संगीत को सैम एस कुमार द्वारा दिया गया, जहां पर उद्भव देश के साथ लाया गया और भारत में तमिल भाषा के साथ मूवी को आयोजित कर दिया। रीतियों की संख्याओं द्वारा आयोजित कर दी गई और एपिसोड की संख्या 5 थी। निर्माता अजय प्रभाकर और छायाकांत दिनेश कृष्ण द्वारा दिया गया, जहां पर संपादक राजा मुर्गन के साथ देखी गई और इनकी उत्पादन कंपनी मुथुआ म्यूजिकल थे, जहां पर पद में पागल के साथ आर्केस्ट इंटरमेंट द्वारा रिलीज किया, जहां पर नेटवर्क
डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 नवंबर 2023 को रिलीज कर दिया। कहानी के नायक जया के अपनी वांछित पहचान तक पहुंचने और उसी पहचान पर काबू पाने के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे समाज में उस पर लेबल द्वारा लगा दिया गया। जय प्रभाकर के रूप में देखे गए और तानिया आशा के साथ वीरिया शेखर के साथ देखे गए। वहीं पर मूवी की श्रृंखला का निर्माण एजेज प्रभाकरन द्वारा आर के इंटरटेनमेंट के तहत मुथुआ म्यूजिकल पद्म गिल के तहत किया गया था, जो इनके निजकुल को निधि रूप से देखे जाते हैं, तथा फेम अरुणा राजा और कामराज की श्रृंखलाओं को निर्देशित व लेखन में छायाकान निर्देशन के साथ कृष्णा द्वारा किया गया। संपादक राजा अरुआ मुर्गन द्वारा, संगीत सेम सीएम द्वारा तैयार किया, तथा तमिल में अभिनेता जया को मुख्य भूमिकाओं की ओर दी गई, जहाँ पर समिति की श्रृंखला में यह उनकी दूसरी भूमिका थी। अभिनेत्री तानिया होम ने उनके साथ मुख्य भूमिकाओं के साथ मार्च 2023 के अंत में अभिनेता महेंद्र की श्रृंखलाओं में शामिल हो गए, जहां पर सीएम द्वारा देखा गया अरुण के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया, जो इनके श्रृंखलाओं को आयोजित करते हैं, तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए दृश्यों को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया था। इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही सौंदर्य के साथ लाए गए थे। गुरुवार को श्रृंखला के साथ मूवी हिंदी मलयालम मराठी बंगाली तथा कन्नाडा में हो जाएगी, जो पहला पोस्टर मूवी को 23 मार्च 2023 को जारी कर दिया जाएगा, तथा इनके दृश्यों को प्रभावित किया जाएगा। और इनकी श्रृंखला बहुत ही शानदार थी और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था। इन्होंने अपने दृश्यों के साथ योजना बनाई गई श्रृंखलाओं को जारी कर दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को एक अच्छे स्वरूपों के साथ उजागर कर ली। यह मूवी काफ़ी शानदार व मलयालम तिरुआ चिक विलम द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को आयोजित करके रखा था, तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में बताया गया था, जहां पर इनकी कथनांक बहुत ज़्यादा शानदार थी तथा दृश्यों को आयोजित करके बताया गया, जो बाहरी संदर्भ के साथ संबंधों को देखते हैं, तथा इस मूवी में लेवल ड्रीम द्वारा देखे गए, जिसमें तानिया होप को देखा गया। बताया जाता है तानिया होप जो एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, कनाडा, तेलुगु फिल्मों में काम करती है। इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया तथा इनके मॉडलिंग करियर कोलकाता 2015 में बनी, जो फैमिल रूप से देखी जाती है और तेलुगु अल्टपोल्ट द्वारा देखा गया, तथा इन्होंने अपने दृश्यों को तेलुगु अल्टपोल्ट ओकाडुवेल द्वारा डेब्यू किया तथा इन्होंने पदार्पण के साथ लाए गए, जहां पर तानिया के होम के जन्मदिन के साथ प्लान करने लगा और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया। पूर्व व्यवसायी को वह बेंगलुरु के सेक्रेट हाइल्ड गलर्स द्वारा देखा जाएगा, जो इन्होंने वेस्टर मिस्ट विद्यालय द्वारा देखी गई तथा इन्होंने पुणे में टीआर ट्रेनिंगों के स्टूडियो में मॉडलिंग प्रशिक्षण में भाग लिया, जहाँ पर इन्हें अंत विद्यालय में पढ़ाई की और मॉडलिंग प्रशिक्षण के साथ एमबीपीवी फेमियल इंडिया कोलकाता का खिताब जीता। 2016 में अपलोडेड रूप से देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया, श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया गया था। इस मूवी को एक अच्छे थम द्वारा मारीज थिरुमल द्वारा नायिकाओं के साथ आयोजित कर दी थी तथा इनके दृश्यों को होम मिनिस्टर जैसे फिल्मों को निभा रही श्रीधर के व संतोष शोभना के साथ पेपर बॉयल कॉलेज द्वारा निर्धारित किया तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए श्रृंखलाओं को प्रायोगिक नज़र फिल्मोग्राफर के रूप में देखे जाते हैं तथा दृश्यों को प्रभावित करते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने फिल्मी के साथ देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। वहीं पर तानिया के साथ महेंद्र को भी देखा गया। बताया जाता है महेंद्र जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता है, जो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ आयोजित किया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए थे
तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिया गया, जहां पर बताया जा रहा है और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस के साथ लाकर प्रभावित हो गई थी, जहां पर देखे गए और इनके कथनांकों के साथ बनाई गई श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो महेंद्र के आजीविका द्वारा के एस रवि कुमार के नाटक मूरी द्वारा देखा तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिए गए और इनकी कथनांक की दृष्टि बहुत ही बेहतरीन थी। इन्होंने अपने संयम के साथ योजना बनाई गई तथा कथनांकों के रूप में कहा गया, जहां पर लाई गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया था तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और मूवी को एक अच्छे सहयोग के रूप में देखे गए, जहां पर बताया गया, जहां पर कथनांकों के साथ आयोजित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी शुरुआत थाईलैंड के साथ कर दी थी, जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ जारी कर दिया गया, जहां पर बताए गए यूनिवर्सिटी के श्रृंखलाओं को जारी कर दी थी तथा इन्होंने यह फिल्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा लघु उद्योग उत्तरीक पर आधारित मूवी थी, जो इनके साथ महेंद्र चरित्र चित्रण के साथ देखे गए, जहां पर थापियाज द्वारा लाया गया तथा इन्होंने अपने फिल्मी ग्राफर को महत्वपूर्ण भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिया था। इन्होंने अपने साथ लाई गई श्रृंखलाओं से जोड़ा गया तथा इन्होंने अपने स्वरूपों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा इनके दृश्य बहुत ज़्यादा शानदार थे और इनके कथनांक को भी लाकर प्रभावित हो गई थी। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर करके बताई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया, जहां पर समीक्षाओं फिल्मोग्राफर द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने साथ मूवी को जया के साथ देखा गया। बताया जाता है जया संपत जो इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिए गए थे। इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाई गई श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया। तमिल के प्रसिद्ध संगीतकार देवी के भतीजे श्रीकांत देवा जो चचेरे भाई के साथ लाया गया था और इन्होंने अपने साथ चेन्नई में पोस्ट कर दिया, जहां पर मूवी को एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा और इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो इनके सहयोग के साथ देखा जाएगा तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर भी कर देगा, जो इनके भतीजन के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में निभाई गई, जो सफलता के ओडियन द्वारा दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं पर आयोजित कर लिया था। वहीं पर इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी, जो इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया था तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और एक बड़ी सफलता के साथ रहस्यमय अभिनय सराहना मिली, जो इन्हें व्यावसायिक रूप से जया के भिन्न भूमिकाओं में अधिक देर तक दिया गया, जो इन्होंने प्रशांता के साथ मिली, जिसमें गोवा में छुट्टियां मना रहे थे और ग्रामीण एगोलिथिक एपोलथीम द्वारा डरपोक फैक्ट्री के साथ कर्मचारी रोमांस ड्रामा के साथ राजा रानी में एक ग्राहक देखभाल कार्य शामिल था। उनका बड़ा सबसे बेटा विज्ञापन बन गया, जो सफल फिल्मों को उन्हें गायक के रूप में अपनी शुरुआत व जागुर डाइक रूप से देखे गए, जो उनकी शुरुआत में जीवन संगीतकार के रूप में परिवारों में जन्मे, जो जया ने कहा और संगीत ने उनके दिल के करीब था। उसने कभी बदलने व बढ़ने के वर्षों के साथ उन्हें प्रभावित किया गया, जो विशेष रूप से अपने चचा संगीतकार देवी को श्रीदेव द्वारा दिया गया, जहां पर अपनी
स्कूली शिक्षा लेमोल स्कूल वायस द्वारा देखे गए, जो चेन्नई को पूरी तरह से उन्होंने टीटोन कॉलेज में लंदन की बोर्ड में पाँचवीं कक्षा को पूरी की और कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मों के संगीत रचनात्मक में शामिल को पसंद करेगी। उन्हें खुद को युवा शंकर राजा को काम को बहुत बड़ा प्रशंसक बताया, जो इनके साथ संगीत में काम को आगे निकालने के लिए देखा गया। और आनंद वेंकटेश ने एक साथ साक्षात्कार उन्हें इस्लामा अपनाने की अफवाह को पुष्टि की। वे 7 वर्षों के इस्लाम द्वारा अभ्यास कर रहे थे, जो भविष्यवाणी में बदलने के साथ सीक्वेंस को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को उजागर कर लिया। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिए गए तथा इन्होंने अपनी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया, जो इनके साथ बताया जाता है तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ प्रभावित भी कर ली। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ उजागर किया गया था और इनकी श्रृंखला बहुत बेहतरीन ढंग से प्रभावित हो गई थी, जो इनके सहयोग के साथ बनाया गया था और इनकी कथनांकों के जरिए जारी कर दिए गए थे। वहीं पर इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लगाई गई श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया और इन्होंने अपने अभिनय करियर के साथ जया ने 18 साल की उम्र में 2002 के बावती के साथ विजय के छोटे भाई के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत, निर्देशन वेंकटेश के साथ जया को विजया के समान दिखने करना चुना लिया, जो TS का रीमेक और मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन फिल्म को पूरी होने के बावजूद रिलीज नहीं हुई। काम करने के बाद उम्मीद किया लेकिन कोई भी फिल्म बन पाई, जो उनके पास कल्लाइक द्वारा और वेन थाइक द्वारा कांडिंग में भूमिका सहित कई अन्य प्रस्ताव को आए, लेकिन यह जया को इस बात पर जोर दे रहे थे तो वह इस आधार पर चुने जाने के बजाय फिल्मों ने अपना स्थान के साथ अर्जित कर लिया। संगीत देवा के भतीजे को अर्जित करते हुए देखा गया तथा वह अपने अर्जित संगीतकारों द्वारा देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने देवी द्वारा उन्हें बिहार बोर्ड के साथ अपने दोस्तों गायकों युवेंद्र द्वारा जया को गोली क्रिकेट पर आधारित वेंकटेश ने प्रभु के निर्देशन में बनी पहली फिल्म चेन्नई को 6028 के साथ देखे, जहां पर यह भूमिका ऑडियन देने दिया गया और सिफारिश के साथ वह 11 मुख्य भूमिकाओं को ऑडियो देने वाले एकमात्र अभिनेता थे। फिल्म के लिए अंतिम चयन फिल्म की सफलता के बाद वेंकटेश ने प्रभु के साथ जुड़ाव शुरू किया और जया को बार बार प्रमुख का केमियों की भूमिकाओं के मध्य में प्रभु के उद्यगम में सहयोग की। इसके बाद वह नवद्वितीया को निर्देशन शशि कुमार ने उन्हें सुब्रापुरम द्वारा एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया। जब उन्हें देवा के आवास पर देखा तो जया ने स्क्रिप्ट सुनी और बिना किसी आधार पर फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। सुने बिना किसी आधार पर फिल्म को साइन कर लिए गए और निर्देशन में आमिर द्वारा निर्मित किया जाना था। 1980 के दशक में माधुरी द्वारा गांव पर आधारित फिल्म जो प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि का हिंसक घटनाओं पर श्रृंखलाओं के साथ कहानी बताते हैं और इस परियोजना के लिए 1980 के दशक में लुक के प्रतिबंधित करने के लिए जया को लंबे दाढ़ी बढ़ा ली, जो उन्होंने आलोचक द्वारा फिल्मों को जया के अभिनय की सराहना की और समीक्षाओं द्वारा कहा, जो रोमांटिक किलर के रूप में जया के लोगों को पसंद आएगी, वह भूमिकाओं को जीवित करता रहा। अपनी लंबी दाढ़ी के कारण वेंकट ने प्रभु की फिल्म सरोजनी की भूमिका ने खुद को समर्थन पाने के बाद उन्होंने ऐसे दृश्य की योजना बनाने में मदद की जिसमें उनकी पहली फिल्मों की कई अभिनेता के कैमियो की उपस्थिति होगी। बाद में जया ऑफ द बीट फिल्मों का अभिनय करना छोड़ दिया, जो व्यावसायिक फिल्म को एक अभिनेता के रूप में करियर बनाने के प्रयास के साथ देखे गए, जहां पर मार्च 2009 में अपनी प्रविष्टि के साथ फिल्मों को संभावित रूप से देखे गए और बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के बारे में विवाद आस्पद टिप्पणी करने के कारण मुसीबत में पड़ गए, जिसे उन्होंने अवधि के लिए आइन किया गया था तथा अभिनेता उस समय वामन द्वारा अव्वल
पीआर तामिराजिक द्वारा अंध नेमार द्वारा अंध इतियान अर्जुन कादोनी के लिए फिल्मांकन कर रहे थे और खुलासा किया वे वामल्य की अच्छा प्रदर्शन करेगा और बाकी सभी वित्तीय फिल्मों को विफल बन जाएगी। उनकी फिल्म के निर्माण यह भी खुलासा करेगी कि वे अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना नुकसानदायक बयान देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम के परिषद ने उन्हें विंकट प्रभु ने गोवा से शुरू की जहां पर किसी भी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया था। फिल्म निर्माण सौंदर्य रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा जया के प्रतिबंध के बाहर निकाल दिया गया। उनकी अगली रिलीज फिल्म अहमद द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं द्वारा आयोजित कर लिया गया था। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी शानदार दृश्यों के साथ आयोजित कर दिया गया था जो वामन लक्ष्मी के प्रदर्शन करेगी, बाकी सभी वित्तीय विफलताओं में बन जाएगी जो उनकी फिल्म के निर्माण में खुलासा किया जाएगा। अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना को नुकसानदायक बनाने देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम परिषद ने उन्हें वेंकट प्रभु के गोवा के साथ शुरुआत होने वाली थी जो किसी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले अपने लंबी कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया। फिल्म को निर्माता सौंदर्य ने रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा किया और जया के प्रतिबंधताओं के बाहर निकाल लिया। उनकी अगली फिल्म रिलीज अहमद वामन थी जो एक्शन थिएटर थी जिसमें प्रिया आनंद ने लक्ष्मी राय और रहमान ने अभिनय किया जिसमें उनकी पहली फिल्म व्यावसायिक भूमिका थी जो आलोचकों द्वारा कहा गया और तेज स्टेट द्वारा रिलीज कर दिया गया जहां पर इनकी श्रृंखला बहुत ज़्यादा शानदार थी। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं में अपनी नींद भरी आंखों में ऐसा लगता है कि वो वास्तव में इस फिल्म के बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद ही उन्हें वेंकट प्रभु को रोमांटिक कॉमेडी गोवा के साथ देखा गया। उन्होंने वैभव रेड्डी के प्रेमगिरी कामेरियन के साथ गोवा के एक युवा यात्रा के एक ग्रामीण भूमिका निभाई। फिल्मों में जया के अस्थायी प्रतिबंध के कारण परियोजना में देरी हुई थी और उन्हें राम द्वारा अपने चरित्र चित्रण करने के लिए पहली बार फिर से दाढ़ी के पड़ जाते हैं जो रिलीज के साथ फिल्म को सकारात्मक प्रचार के बावजूद इसे बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत समीक्षाओं और संग्रह मिला। वह अपने किरदार में असफल प्रतिबद्धताओं करने को पूरी तरह से अवकल पीआर तामिराजू द्वारा अलग अलग लुक में देखने के साथ देखे जिनमें वह मुख्य भूमिकाओं में 18 वर्ष के लड़के 18वीं के साथ देखी गई जहाँ पर विकास को प्रतिबद्धताओं के कारण पूरी फिल्म अवल पीआर जो तामिराजू को अलग लुक में दिखाई गई थी जिनमें से मुख्य रूप से 18 वर्षीय लड़के व 18 वर्षीय व्यक्तियों का था। उन्होंने अगले लड़के जैसे दिखने के लिए अपना वजन कम कर लिया और उन्होंने फिल्म अपने 20वीं दशा के अंत में पारिकल्पिक व्यक्ति को दिखने के वजन से मांसपेशियों को जोड़ व आलोचक ने जया के प्रदर्शन में सराहना करते हुए कहा वह दिखाया गया वह अच्छा अभिनेता बनने के लिए खुद को तैयार करने के लिए प्रतिक्रिया ला सकता है लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसी तरह रोमांटिक फिल्म कानी मोजिक ने उनके प्रदर्शन को बहुत ही पसंद करेगी योग्य बनाता गया और कहा गया कि वह स्वामित्व प्रदर्शन के सामने आए थे लेकिन फिल्म को व्यावसायिक रूप विफल करती है जो अपनी लगातार फिल्म को 5 असफल फिल्मों पर चर्चा करते और जया ने अपनी स्वीकार कर लिया जो अपने करियर के उसी अवधि के दौरान फिल्म के स्वामित्व के साथ देखे गए तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया था जो काफ़ी शानदार। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ लेवल टीवी श्रृंखला फिल्म के बारे में जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया और यह मूवी भारत के तमिल भाषा के अर्णा कामराज द्वारा निर्देशित के साथ मूवी को 2023 में तमिल भाषा द्वारा स्ट्रीमिंग किया जहां पर टेलीविजन श्रृंखलाओं द्वारा यह फिल्म को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला में मुख्य कलाकार जय तनिया होप और महेंद्रन शामिल है। इसका प्रीमियम 10 नवंबर
2023 को होना है। इसमें 10 एपिसोड शामिल है। मूवी की शैली कार्यवाहिक है और नाटक के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया। इस मूवी को अरनाज कामराज द्वारा लिखा गया तथा इसका निर्देशन अरनाज कामराज है। वहीं पर अभिनेता जया और तानिया आशा के साथ देखे गए, जहाँ पर महेंद्र को दिया गया और संगीत को सैम एस कुमार द्वारा दिया गया। जहाँ पर उद्भव देश के साथ लाया गया और भारत में तमिल भाषा के साथ मूवी को आयोजित कर दिया। रीतियों की संख्याओं द्वारा आयोजित कर दी गई और एपिसोड की संख्या 5 थी। निर्माता अजय प्रभाकर और छायाकांत दिनेश कृष्ण द्वारा दिया गया, जहां पर संपादक राजा मुर्गन के साथ देखी गई। और इसकी उत्पादन कंपनी मुथुआ म्यूजिकल थे, जहां पर पद में पागल के साथ आर्केस्ट इंटरमेंट द्वारा रिलीज किया। जहां पर नेटवर्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 नवंबर 2023 को रिलीज कर दिया। कहानी के नायक जया के अपनी वांछित पहचान तक पहुंचने और उसी पहचान पर काबू पाने के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे समाज में उस पर लेबल द्वारा लगा दिया गया। जय प्रभाकर के रूप में देखे गए और तानिया आशा के साथ वीरिया शेखर के साथ देखे गए। वहीं पर मूवी की श्रृंखला का निर्माण अजय प्रभाकरन द्वारा आरके इंटरमेंट के तहत मुथुआ म्यूजिकल पदम गिल के तहत किया गया था, जो इनके निजकोल को निधि रूप से देखे जाते हैं तथा फेम अरुणा राजा और कामराज की श्रृंखलाओं को निर्देशित व लेखन में छायाकांत निर्देशन के साथ कृष्णा द्वारा किया गया। संपादक राजा अरुआ मुर्गन द्वारा संगीत सेम सीएम द्वारा तैयार किया तथा तमिल में अभिनेता जया को मुख्य भूमिकाओं की ओर दी गई, जहाँ पर समिति की श्रृंखला में यह उनकी दूसरी भूमिका थी। अभिनेत्री तानिया होम ने उनके साथ मुख्य भूमिकाओं के साथ मार्च 2023 के अंत में अभिनेता महेंद्र की श्रृंखलाओं में शामिल हो गए, जहां पर सीएम द्वारा देखा गया और उनके साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया, जो इनके श्रृंखलाओं को आयोजित करते हैं तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए दृश्यों को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया था। इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही सौंदर्य के साथ लाए गए थे। गुरुवार को श्रृंखला के साथ मूवी हिंदी मलयालम मराठी बंगाली तथा कन्नाडा में हो जाएगी, जो पहला पोस्टर मूवी को 23 मार्च 2023 को जारी कर दिया जाएगा तथा इनके दृश्यों को प्रभावित किया जाएगा। और इनकी श्रृंखला बहुत ही शानदार थी और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर दिया गया था। इन्होंने अपने दृश्यों के साथ योजना बनाई गई श्रृंखलाओं को जारी कर दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को एक अच्छे स्वरूपों के साथ उजागर कर ली। यह मूवी काफ़ी शानदार व मलयालम तिरुआ चिक विलम द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को आयोजित करके रखा था तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में बताया गया था, जहां पर इनकी कथनांक बहुत ज़्यादा शानदार थी तथा दृश्यों को आयोजित करके बताया गया, जो बाहरी संदर्भ के साथ संबंधों को देखते हैं तथा इस मूवी में लेवल निश्रीम द्वारा देखे गए, जिसमें तानिया होप को देखा गया। बताया जाता है तानिया होप जो एक भारतीय अभिनेत्री मॉडल कनाडा तेलुगु फिल्मों में काम करती है। इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया तथा इनके मॉडलिंग करियर कोलकाता 2015 में बनी, जो फैमिल रूप से देखी जाती है और तेलुगु अल्टपोल्ट द्वारा देखा गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को तेलुगु अल्टपोल्ट ओकाडुवेल द्वारा डेब्यू किया तथा इन्होंने पदार्पण के साथ लाए गए, जहां पर तानिया के होम के जन्मदिन के साथ प्लान करने लगा और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया। पूर्व व्यवसायी को वह बेंगलोर के सेक्रेट हाइल्ड गलर्स द्वारा देखा जाएगा, जो इन्होंने वेस्टर मिस्ट विद्यालय द्वारा देखी गई तथा इन्होंने पुणे में टीआर ट्रेनिंगों के स्टूडियो में मॉडलिंग प्रशिक्षण में भाग लिया, जहां पर इन्हें अंत विद्यालय में पढ़ाई की और मॉडलिंग प्रशिक्षण के साथ एमबीपीवी फेमियल इंडिया कोलकाता का खिताब जीता। 2016 में अपलोडेड रूप से देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया, श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया गया था। इस मूवी को एक अच्छे
थम द्वारा मारीज थिरुमल द्वारा नायिकाओं के साथ आयोजित कर दी थी तथा इनके दृश्यों को होम मिनिस्ट्री जैसी फिल्मों को निभा रहे श्रीधर के व संतोष शोभना के साथ पेपर बॉयल कॉलेज द्वारा निर्धारित किया तथा इन्होंने अपने बारे में बताए गए श्रृंखलाओं को प्रायोगिक नज़र फिल्मोग्राफर के रूप में देखे जाते हैं तथा दृश्यों को प्रभावित करते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने फिल्मी के साथ देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर लिया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। वहीं पर तानिया के साथ महेंद्र को भी देखा गया। बताया जाता है महेंद्र जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ आयोजित किया तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिया गया जहां पर बताया जा रहा है और इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस के साथ लाकर प्रभावित हो गई थी जहां पर देखे गए और इनके कथनांकों के साथ बनाई गई श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो महेंद्र के आजीविका द्वारा के एस रवि कुमार के नाटक मूरी द्वारा देखा तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया। इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित कर दिए गए और इनकी कथनांक की दृष्टि बहुत ही बेहतरीन थी। इन्होंने अपने संयम के साथ योजना बनाई गई तथा कथनांकों के रूप में कहा गया जहां पर लाई गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित कर लिया था तथा इनकी श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और मूवी को एक अच्छे सहयोग के रूप में देखे गए जहां पर बताया गया जहां पर कथनांकों के साथ आयोजित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी शुरुआत थाईलैंड के साथ कर दी थी जो इनके सहयोग के साथ चिन्हित करते हैं तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ जारी कर दिया गया जहां पर बताए गए यूनिवर्सिटी के श्रृंखलाओं को जारी कर दिए थी तथा इन्होंने यह फिल्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा लघु उद्योग उत्तरीक पर आधारित मूवी थी जो इनके साथ महेंद्र चरित्र चित्रण के साथ देखे गए जहां पर थापियाज द्वारा लाया गया तथा इन्होंने अपने फिल्मी ग्राफर को महत्वपूर्ण भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिया था। इन्होंने अपने साथ लाई गई श्रृंखलाओं से जोड़ा गया तथा इन्होंने अपने स्वरूपों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया तथा इनके दृश्य बहुत ज़्यादा शानदार थे और इनके कथनांक को भी लाकर प्रभावित हो गई थी। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर करके बताई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया जहां पर समीक्षाओं फिल्मोग्राफर द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने साथ मूवी को जया के साथ देखा गया। बताया जाता है जया संपत जो इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा दृश्यों को प्रभावित कर दिए गए थे। इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिया। तमिल के प्रसिद्ध संगीतकार देवी के भतीजे श्रीकांत देवा जो चचेरे भाई के साथ लाया गया था और इन्होंने अपने साथ चेन्नई में पोस्ट कर दिया जहां पर मूवी को एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा और इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इनके सहयोग के साथ देखा जाएगा तथा इन्होंने अपने दृश्यों के बारे में उजागर भी कर देगा जो इनके भतीजन के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में निभाई गई जो सफलता के ओडियन द्वारा दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं पर आयोजित कर लिया था। वहीं पर इनकी श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी जो इस मूवी को
काफ़ी अच्छे से आयोजित किया था तथा इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लाए गए श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और एक बड़ी सफलता के साथ रहस्यमय अभिनय सराहना मिली, जो इन्हें व्यावसायिक रूप से जया के भिन्न भूमिकाओं में अधिक देर तक दिया गया, जो इन्होंने प्रशांता के साथ मिली जिसमें गोवा में छुट्टियां मना रहे थे और ग्रामीण एगोलिथिक एपोल थीम द्वारा डरपोक फैक्ट्री के साथ कर्मचारी रोमांस ड्रामा के साथ राजा रानी में एक ग्राहक देखभाल कार्यकारी शामिल था। उनका बड़ा सबसे बेटा विज्ञापन बन गया, जो सफल फिल्मों को उन्हें गायक के रूप में अपनी शुरुआत व जागुर डाइक रूप से देखे गए, जो उनकी शुरुआत में जीवन संगीतकार के रूप में परिवारों में जन्मे, जो जया ने कहा और संगीत ने उनके दिल के करीब था। उसने कभी बदलने व बढ़ने के वर्षों के साथ उन्हें प्रभावित किया गया, जो विशेष रूप से अपने चचा संगीतकार देवी को श्री दिया द्वारा दिया गया, जहां पर अपनी स्कूली शिक्षा लेमोल स्कूल वायस द्वारा देखे गए, जो चेन्नई को पूरी तरह से उन्होंने टीटोन कॉलेज में लंदन की बोर्ड में पाँचवीं कक्षा को पूरी की और कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मों के संगीत रचनात्मक में शामिल को पसंद करेगी। उन्हें खुद को युवा शंकर राजा को काम को बहुत बड़ा प्रशंसक बताया, जो इनके साथ संगीत में काम को आगे निकालने के लिए देखा गया और आनंद वेंकटेश ने एक साथ साक्षात्कार उन्हें इस्लामा अपनाने की अफवाह को पुष्टि की। वे 7 वर्षों के इस्लाम द्वारा अभ्यास कर रहे थे, जो भविष्यवाणी में बदलने के साथ सीक्वेंस को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों को उजागर कर लिया। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए जारी कर दिए गए तथा इन्होंने अपनी बेहतरीन भूमिकाओं के साथ मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया, जो इनके साथ बताया जाता है तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ प्रभावित भी कर ली। मूवी की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन थी तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ उजागर किया गया था और इनकी श्रृंखला बहुत बेहतरीन ढंग से प्रभावित हो गई थी, जो इनके सहयोग के साथ बनाया गया था और इनकी कथनांकों के जरिए जारी कर दिए गए थे। वहीं पर इन्होंने अपने स्वरूपों के साथ लगाई गई श्रृंखलाओं को प्रभावित कर लिया और इन्होंने अपने अभिनय करियर के साथ जया ने 18 साल की उम्र में 2002 के भावती के साथ विजय के छोटे भाई के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत, निर्देशन वेंकटेश के साथ जया को विजया के समान दिखने करना चुना लिया, जो TS का रीमेक और मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन फिल्म को पूरी होने के बावजूद रिलीज नहीं हुई। काम करने के बाद उम्मीद किया लेकिन कोई भी फिल्म बन पाई, जो उनके पास कल्लाइक द्वारा और वेन थाइक द्वारा कांडिंग में भूमिका सहित कई अन्य प्रस्ताव को आए, लेकिन यह जया को इस बात पर जोर दे रहे थे तो वह इस आधार पर चुने जाने के बजाय फिल्मों ने अपना स्थान के साथ अर्जित कर लिया। संगीत देवा के भतीजे को अर्जित करते हुए देखा गया तथा वह अपने अर्जित संगीतकारों द्वारा देखी गई श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया था तथा इन्होंने देवी द्वारा उन्हें बिहार बोर्ड के साथ अपने दोस्तों गायकों युवेंद्र द्वारा जया को गोली क्रिकेट पर आधारित वेंकटेश ने प्रभु के निर्देशन में बनी पहली फिल्म चेन्नई को 6028 के साथ देखे, जहां पर यह भूमिका ऑडियन देने दिया गया और सिफारिश के साथ वह 11 मुख्य भूमिकाओं को ऑडियो देने वाले एकमात्र अभिनेता थे। फिल्म के लिए अंतिम चयन फिल्म की सफलता के बाद वेंकटेश ने प्रभु के साथ जुड़ाव शुरू किया और जया को बार बार प्रमुख का केमियों की भूमिकाओं के मध्य में प्रभु के उद्यगम में सहयोग की। इसके बाद वह नवद्वितीया को निर्देशन शशि कुमार ने उन्हें सुब्रापुरम द्वारा एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया। जब उन्हें देवा के आवास पर देखा तो जया ने स्क्रिप्ट सुनी और बिना किसी आधार पर फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। सुने बिना किसी आधार पर फिल्म को साइन कर लिए गए और निर्देशन में आमिर द्वारा निर्मित किया जाना था। 1980 के दशक में माधुरी द्वारा गांव पर आधारित फिल्म जो प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि का हिंसक घटनाओं पर श्रृंखलाओं के साथ कहानी बताते हैं और इस परियोजना के लिए 1980
के दशक में लुक के प्रतिबंधित करने के लिए जया को लंबे दाढ़ी बढ़ा ली, जो उन्होंने आलोचक द्वारा फिल्मों को जया के अभिनय की सराहना की और समीक्षाओं द्वारा कहा जो रोमांटिक किलर के रूप में जया के लोगों को पसंद आएगी वह भूमिकाओं को जीवित करता रहा। अपनी लंबी दाढ़ी के कारण वेंकट ने प्रभु की फिल्म सरोजनी की भूमिका ने खुद को समर्थन पाने के बाद उन्होंने ऐसे दृश्य की योजना बनाने में मदद की जिसमें उनकी पहली फिल्मों की कई अभिनेता के कैमियों की उपस्थिति होगी। बाद में जया ऑफ द बीट फिल्मों का अभिनय करना छोड़ दिया, जो व्यावसायिक फिल्म को एक अभिनेता के रूप में करियर बनाने के प्रयास के साथ देखे गए, जहां पर मार्च 2009 में अपनी प्रविष्टि के साथ फिल्मों को संभावित रूप से देखे गए और बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के बारे में विवाद आस्पद टिप्पणी करने के कारण मुसीबत में पड़ गए, जिसे उन्होंने अवधि के लिए आइन किया गया था तथा अभिनेता उस समय वामन द्वारा अवल पीआर तामिराजिक द्वारा अंध नेमार द्वारा अंध इतियान अर्जुन कादोनी के लिए फिल्मांकन कर रहे थे और खुलासा किया वे वामल्य की अच्छा प्रदर्शन करेगा और बाकी सभी वित्तीय फिल्मों को विफल बन जाएगी। उनकी फिल्म के निर्माण यह भी खुलासा करेगी कि वे अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना नुकसानदायक बयान देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम के परिषद ने उन्हें विंकट प्रभु ने गोवा से शुरू की, जहां पर किसी भी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया था। फिल्म निर्माण सौंदर्य रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा जया के प्रतिबंध के बाहर निकाल दिया गया। उनकी अगली रिलीज फिल्म अहमद द्वारा देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को प्रभावित करके श्रृंखलाओं द्वारा आयोजित कर लिया गया था। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी शानदार दृश्यों के साथ आयोजित कर दिया गया था, जो वामन लक्ष्मी के प्रदर्शन करेगी, बाकी सभी वित्तीय विफलताओं में बन जाएगी, जो उनकी फिल्म के निर्माण में खुलासा किया जाएगा। अपनी फिल्मों के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना को नुकसानदायक बनाने देने के लिए जया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रारंभ में नादिग्रिम संगम परिषद ने उन्हें वेंकट प्रभु के गोवा के साथ शुरुआत होने वाली थी, जो किसी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने के पहले अपने लंबी कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया। फिल्म को निर्माता सौंदर्य ने रजनीकांत के हस्ताक्षेप द्वारा किया और जया के प्रतिबंधताओं के बाहर निकाल लिया। उनकी अगली फिल्म रिलीज अहमद वामन थी, जो एक्शन थिएटर थी, जिसमें प्रिया आनंद ने लक्ष्मी राय और रहमान ने अभिनय किया, जिसमें उनकी पहली फिल्म व्यावसायिक भूमिका थी, जो आलोचकों द्वारा कहा गया और तेज स्टेट द्वारा रिलीज कर दिया गया, जहां पर इनकी श्रृंखला बहुत ज़्यादा शानदार थी। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं में अपनी नींद भरी आंखों में ऐसा लगता है कि वो वास्तव में इस फिल्म के बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद ही उन्हें वेंकट प्रभु को रोमांटिक कॉमेडी गोवा के साथ देखा गया। उन्होंने वैभव रेड्डी के प्रेमगिरी कामेरियन के साथ गोवा के एक युवा यात्रा के एक ग्रामीण भूमिका निभाई। फिल्मों में जया के अस्थायी प्रतिबंध के कारण परियोजना में देरी हुई थी और उन्हें राम द्वारा अपने चरित्र चित्रण करने के लिए पहली बार फिर से दाढ़ी के पड़ जाते हैं, जो रिलीज के साथ फिल्म को सकारात्मक प्रचार के बावजूद इसे बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत समीक्षाओं और संग्रह मिला। वह अपने किरदार में असफल प्रतिबद्धताओं करने को पूरी तरह से अवकल पीआर तामिराजुक द्वारा अलग अलग लुक में देखने के साथ देखे, जिनमें वह मुख्य भूमिकाओं में 18 वर्ष के लड़के 18वीं के साथ देखी गई, जहाँ पर विकास को प्रतिबद्धताओं के कारण पूरी फिल्म अवल पीआर जो तामिराजू को अलग लुक में दिखाई गई थी, जिनमें से मुख्य रूप से 18 वर्षीय लड़के व 18 वर्षीय व्यक्तियों का था। उन्होंने अगले लड़के जैसे दिखने के लिए अपना वजन कम कर लिया और उन्होंने फिल्म अपने 20वीं दशा के अंत में पारिकल्पिक व्यक्ति को दिखने के वजन से मांसपेशियों को जोड़ व आलोचक ने जया के प्रदर्शन में सराहना करते हुए कहा, वह दिखाया गया वह अच्छा अभिनेता बनने के लिए खुद को तैयार करने के लिए प्रतिक्रिया ला सकता है, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसी तरह रोमांटिक फिल्म
कानी मोजिक ने उनके प्रदर्शन को बहुत ही पसंद करेगी योग्य बनाता गया और कहा गया कि वह स्वामित्व प्रदर्शन के सामने आए थे, लेकिन फिल्म को व्यावसायिक रूप विफल करती है, जो अपनी लगातार फिल्म को 5 असफल फिल्मों पर चर्चा करते और जया ने अपनी स्वीकार कर लिया, जो अपने करियर के उसी अवधि के दौरान फिल्म के स्वामित्व के साथ देखे गए तथा दृश्यों को प्रभावित कर लिया गया था, जो काफ़ी शानदार